हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुशील्ड। आज हम करेंगे लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि सीयूईटी, आईपीयूसीटी, जेएमआई, एनपैट और भी बाकी अदर एंट्रेंस एग्जाम जिसमें भी आपका करंट अफेयर का सेक्शन पूछा जाता है, उन सभी एंट्रेंस एग्जाम के लिए यह वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। सो मेक श्योर कि आप वीडियो एंड तक देखें। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हैज बीन एक्सटेंडेड इन विच स्टेट फॉर अनदर 6 मंथ्स। सो आपसे पूछा गया है, अभी हाल ही में अफसा को एक्सटेंड कर दिया गया है 6 मंथ्स के लिए, तो आपको बताना है कौन से स्टेट में ये एक्सटेंड किया गया है। ऑप्शन है आपके पास आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। तो जो करेक्ट आंसर है इसका वो है आपका नागालैंड। ठीक है, तो अभी जो अफसा को, जो इसकी फुल फॉर्म है आपकी आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, इसको हमें एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है, नागालैंड के अंदर 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर बी नागालैंड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज द ओनली ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन टू सेल इलेक्ट्रोल बॉन्ड इन इंडिया। ऑप्शन है आपके पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नीति आयोग और सुप्रीम कोर्ट। तो मेनली आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस इंस्टीट्यूशन के पास अथॉरिटी है सेल करने की इलेक्ट्रोल बॉन्ड इंडिया के अंदर। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास अथॉरिटी है कि वो सेल कर सके इलेक्ट्रोल बॉन्ड इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट टीम क्लिंच द विजय हजारे ट्रॉफी टाइटल इन 2021-22। ठीक है, तो मेनली आपको बताना है विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है। ऑप्शन है आपके पास महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर है इसका आपका हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट आंसर है। और इसमें आपको एक और बात याद रखनी है कि हिमाचल प्रदेश ने किस टीम को हराया। तो हिमाचल प्रदेश डिफीटेड तमिलनाडु। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि तमिलनाडु को उन्होंने हराया है। तो हिमाचल प्रदेश का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, माता वैष्णो देवी श्रीन विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूपी। सो ये आंसर आपको पता होगा इसका। मेनली इसमें पूछा गया कि माता वैष्णो देवी श्रीन जो है आपका कौन से स्टेट या फिर यूटी में आपका लोकेट करता है। ऑप्शन है आपके पास जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम और उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर ए जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये ऐसे क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो आपने ध्यान से ऑप्शन देखे आपको राइट आंसर मार्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूक्रेन शेयर बॉर्डर विद हाउ मेनी यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट। ऑप्शन से आपके पास 1, 2, 3 और 4। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर डी 4। ठीक है, तो यूक्रेन जो है आपके 4 यूरोपियन यूनियन के मेंबर के साथ बॉर्डर को शेयर करता है, जो कि आपके हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया और रोमानिया। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, 4 कौन कौन से स्टेट थे आपके, हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया और रोमानिया, इनके साथ यूक्रेन बॉर्डर शेयर करता है मेनली। ठीक है, यूरोपियन यूनियन में जो आते हैं आपके। तो डी ऑप्शन आपका 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंडियन ग्रे हॉर्नबिल वर रिसेंटली री इंट्रोड्यूस इन विच इंडियन सेंचुरी। ऑप्शन है आपके पास गिर नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और घाना नेशनल पार्क। तो जो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर ए गिर नेशनल पार्क करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द इंडियाज लार्जेस्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन स्टेब्लिश रिसेंटली। ऑप्शन है आपके पास मुंबई, गुरुग्राम, गुवाहाटी और न्यू दिल्ली। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर बी गुरुग्राम। तो गुरुग्राम के अंदर आपका सबसे लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाया गया है आपका गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। वट इज परम गंगा विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली। तो आपको मेनली बताना है कि परम गंगा क्या चीज है जो आपको न्यूज के अंदर आपके अभी हाल ही में आपने देखा होगा। ऑप्शन है आपके पास, क्या ये कोविड वैक्सीन है, या गंगा रिजर्वेशन स्कीम है, सुपर कंप्यूटर है या फिर क्रिप्टो करेंसी है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है इसका, ऑप्शन नंबर सी। तो सुपर गंगा जो है आपकी वो है आपकी सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो परम गंगा आपकी क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ग्रामीण हब इज एन एनुअल मार्केटिंग इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन। ऑप्शन है आपके पास
मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, नाबार्ड, ट्राइब इंडिया और सिडबी। तो जो राइट आंसर है इसका वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, नाबार्ड। तो नाबार्ड हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। साथ ही आपको नाबार्ड की फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है आप एग्जाम के अंदर, तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो बी ऑप्शन आपका नाबार्ड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्टेट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एवर डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वेरियम। तो ऑप्शन है आपके पास महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और आसाम। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। ठीक, कर्नाटक ने आपका अभी हाल ही में फर्स्ट एवर डिजिटल वाटर डाटा बैंक लॉन्च किया है बेंगलुरु के अंदर, जिसका नाम है आपका एक्वेरियम। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट इंप्लीमेंट्स द ज्योति संजीवनी स्कीम। ऑप्शन है आपके पास केरला, कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। ठीक है, तो कर्नाटक ने आपका इंप्लीमेंट किया ये ज्योति संजीवनी आपका स्कीम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जोजोलिया पास कनेक्ट्स विच इंडियन स्टेट यूटी विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। ऑप्शन है आपके पास हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम और आसाम। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन बीरेन सिंह वाज शोन इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच इंडियन स्टेट। अभी हाल ही के अंदर आपका काफी सारे स्टेट में इलेक्शन हुए थे, तो उसके अंदर आपके अलग अलग चीफ मिनिस्टर बने, तो आपको बताना है कि एन बीरेन सिंह आपके कहाँ के चीफ मिनिस्टर बने हैं, गोवा, मणिपुर, पंजाब और छत्तीसगढ़। तो राइट आंसर है आपका मणिपुर। ठीक है, तो मणिपुर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुष्कर सिंह धामी शोन इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच इंडियन स्टेट और यूपी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो पुष्कर सिंह धामी आप कहाँ के चीफ मिनिस्टर बने अभी, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड के। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु इज द फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव द पद्म भूषण इन इंडिया। तो अभी हाल ही के अंदर कौन पहला पैरा एथलीट बने हैं हमारे जिन्हें पद्म भूषण दिया गया है इंडिया के अंदर। ऑप्शन है आपके पास देवेंद्र झाझरिया, मरियप्पन थंगवेलू, अवनी लेखरा और भवानी भवीना पटेल। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर ए, देवेंद्र झाझरिया। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट पैरा एथलीट बन चुके हैं जिन्हें पद्म भूषण दिया गया इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, देवेंद्र झाझरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सोलोमोन आइसलैंड विच हैज ड्राफ्टेड अ सिक्योरिटी डील विद चाइना इज लोकेटेड इन विच ओशन और सी। तो आपको बताना मेनली सोलोमोन आइलैंड आपका कहाँ पे, किस ओशन या सी में है। ऑप्शन से आपके पास अटलांटिक, इंडियन, पैसिफिक और अरेबियन सी। तो राइट आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर सी, पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो सोलोमोन आइलैंड जो आपका वो आपका पैसिफिक ओशन के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो मेनली क्वेश्चन में आपको बताना है कि ग्रेट बैरियर रीफ आपका कहाँ पे लोकेट करता है। ऑप्शन आपके पास यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ग्रेट बैरियर रीफ आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच म्यूचुअल फंड हाउस हैज फाइल्ड फॉर लॉन्चिंग इंडियाज फर्स्ट डिफेंस फंड। ऑप्शन है आपके पास ICICI, HDFC, SBI, कैनरा, रिबेको म्यूचुअल फंड। तो सही आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर बी, HDFC म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। विच कंट्री इज द विनर ऑफ 2022 SAFF अंडर 18 ह्यूमन चैंपियनशिप। तो मेनली बताना है कौन विनर है आपको। ऑप्शन आपके पास बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और जापान। तो राइट आंसर है इसका आपका इंडिया। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट इंडियन सिटी टू गेट अ रोड दैट इज मेड आउट ऑफ स्टील वेस्ट। ऑप्शन है आपके पास मुंबई, सूरत, जयपुर और चंडीगढ़। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सूरत। ठीक है, तो सूरत हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट बाय डिस्टेंस हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच एयरवेज। ऑप्शन है आपके पास कैथे पैसिफिक एयरवेज, क्वांट्स एयरवेज, सिंगापुर एयरवेज और कतर एयरवेज। तो मेनली आपका जो ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, कैथी पैसिफिक एयरवेज। ठीक है, पास
व्हाट इज द लिमिट ऑफ ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट पर ट्रांजेक्शन एज पर आरबीआई रीसेंट नोटिफिकेशन? ऑप्शन है आपके पास ₹100, 200, 500 और 1000। तो आपको बताना है इसमें कितनी लिमिट लगा रखी है ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट, ठीक है, पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से आरबीआई ने, ठीक है। तो सही आंसर जो है इसका वो है आपका ऑप्शन नंबर आपका बी, ₹200, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है हमारा ₹200, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी वेलु नचियार हु हैज सीन द न्यूज वाज अ क्वीन ऑफ विच प्रेजेंट डे स्टेट? तो मेनली आपको बताना है कि रानी वेलु जो थी आपकी वो किस स्टेट की आपकी रानी थी जो आज के हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक और ओडिशा। तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंट्री इज ऑर्गेनाइजिंग टूरिज्म वीक एट द एक्सपो 2020 दुबई? ऑप्शन है आपके पास इंडिया, रशिया, यूएसए और श्रीलंका। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर ए, इंडिया, ठीक है। तो इंडिया आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विच इंडियन स्टेट इज सेट टू होस्ट द नेक्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया गेम्स इन 2022? तो मेनली आपको बताना है कि जो नेक्स्ट एडिशन का जो हमारा खेलो इंडिया गेम्स है वो कौन से स्टेट में होने वाला है। ऑप्शन है आपके पास तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और गोवा। तो जो राइट आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक, ठीक है। तो कर्नाटक आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि कर्नाटक के अंदर ही आपका नेक्स्ट खेलो इंडिया गेम्स होने वाला है 2023 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरांग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी? ऑप्शन है आपके पास उत्तर प्रदेश, आसाम, बिहार, हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर बी, आसाम। तो ओरांग नेशनल पार्क आपका कहां पे लोकेट करता है? आसाम के अंदर, ठीक है। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द हैनले पासवर्ड इंडेक्स 2022? तो आपके एग्जाम्स के अंदर आपके ये जो अभी रिपोर्ट आती है काफी सारी उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन उस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि इंडिया की रैंक क्या है आपकी हैनले पासवर्ड इंडेक्स के अंदर। ऑप्शन है आपके पास 72, 83, 92 और 101। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर बी, 83। तो इंडिया की जो रैंक है वो है आपकी 83, ठीक है, 2022 के हिसाब से, ठीक है। अब बात करें 2021 में कितनी रैंक थी, तो उस टाइम हमारी रैंक थी 90। तो अभी हम 7 प्लेस आगे आ चुके हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अभी हमारी रैंक है 83। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन इज द नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेटेड? तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कब हमारा नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास January 1st, January 14th, January 16th और January 20th। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर सी, January 16th, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूट द जस्टिस हेमा कमीशन? ऑप्शन है आपके पास तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल और गुजरात। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, केरला, ठीक है। तो 2017 में आपके केरला गवर्नमेंट ने फॉर्म की थी 3 मेंबर कमीशन जिसको हेड किया था आपके जस्टिस के हेमा ने, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी, केरला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ इंडियन ओपन मैन सिंगल्स टाइटल ऑन डेब्यू? ऑप्शन है आपके पास के श्रीकांत, लक्ष्य सेन, पी कश्यप और साई प्रणीत। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्य सेन, ठीक है। तो लक्ष्य सेन हमारे पहले इंडियन बन चुके हैं जिन्होंने जीता है आपका इंडियन ओपन मैन सिंगल्स टाइटल अपने डेब्यू मैच में, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्य सेन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंट्री प्लेड होस्ट टू द AFC वुमेन्स एशिया कप 2022? ऑप्शन है आपके पास जापान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर डी, इंडिया। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? तो ऑप्शन है आपके पास January 23rd, January 24th, January 26th और January 30th। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर बी, January 24th। तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हमारा सेलिब्रेट किया जाता है January 24th को हर साल, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्नोलॉजी कंपनी अनवील्ड AI रिसर्च सुपर क्लस्टर RSC? ऑप्शन है आपके पास माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, गूगल और फॉक्सकॉन।
तो राइट आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर बी मेटा। तो जो आपकी फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है मेटा, उन्होंने अनाउंस किया एक न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, जो फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है मेटा, उन्होंने ये चीज अनाउंस की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्पोर्ट्स पर्सन वॉज बेस्ट ऑर्ड विद द परमविष्ट सेवा मेडल। ऑप्शन आपके पास नीरज चोपड़ा, मरियप्पन थंगवेलु, पीवी सिंधु और मीराबाई चानू। तो आपको बताना है इनमें से कौन से स्पोर्ट्समैन को आपको सम्मानित किया गया है परम विशिष्ट सेवा मेडल से। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर ए नीरज चोपड़ा, ठीक है। जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है हमारे नीरज चोपड़ा, उन्हें सम्मानित किया गया आपके परम विशिष्ट सेवा मेडल, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच स्टेट डिपिक्ट द फोर एंग्लो एबोर वॉर बिटवीन 1858 एंड 1912 इन इट्स रिपब्लिक डे टैब्लू। तो आपने देखा होगा कि रिपब्लिक डे में आपकी जो परेड चलती है उसमें हर स्टेट अपना अपना टैब्लू निकालता है, उसके अंदर आपको बताना है किस स्टेट ने आपका रिप्रेजेंट किया था आपका फोर एंग्लो एबोर वॉर बिटवीन 1858 से 1912 के बीच में। तो ऑप्शन है आपके पास मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और उत्तराखंड। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने डिपिक्ट किया था आपका रिपब्लिक डे के अंदर ये, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व एसटीआर इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो आपको बताने की जो आपका सत्यमंगलम आपका टाइगर रिजर्व है ये कौन से स्टेट के अंदर है। ऑप्शन है आपके पास कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के अंदर आपका ये टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोकोव विच वॉज सीन इन द न्यूज वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन विच स्पीसीज। ऑप्शन है आपके पास मॉन्की, बैट्स, ओल्स और रोडेंट। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी बैट्स। तो ये बैट्स में आपका पहली बार पाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, मासदा फोर्ट्रेस विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो आपको बताना है जो मसाडा फोर्ट्रेस है वो कौन से कंट्री के अंदर है आपका, इंडिया, श्रीलंका, इसराइल और यूएई। तो राइट आंसर है आपका इसका ऑप्शन नंबर सी इसराइल। तो ये आपका इसराइल के अंदर है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी आपको बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट मेल टेनिस स्टार टू विन 21 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स। ऑप्शन आपके पास रोज फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक डोकोविच और एंड्री एगसाई। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर बी राफेल नडाल, ठीक है। तो राफेल नडाल अब तक 21st ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत चुके हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारे, विद द इंटीग्रेशन ऑफ छत्तीसगढ़ द वन नेशन वन राशन कार्ड प्लान इज ऑपरेशनल इन हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूटी। अब आपको बताना है अभी छत्तीसगढ़ के शामिल होने के बाद वन नेशन और वन राशन कार्ड के अंदर कितने स्टेट्स और यूटी आपके शामिल हो चुके हैं। तो ऑप्शन आपके पास 15, 20, 25 और 35। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर डी 35, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में मिलाने के बाद अभी आपके टोटल 35 आपके स्टेट्स और यूटी को काउंट करके आपके इसमें शामिल हो चुके हैं आपका कौन सा स्कीम, वन नेशन वन राशन कार्ड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी एट हैदराबाद फीचर विच भक्ति सेंट। आपको बताना है अभी हाल ही के अंदर आपके हैदराबाद के अंदर स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को इनोग्रेट किया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो आपको बताना है कि ये किस भक्ति सेंट को फीचर करता है। ऑप्शन है आपके पास रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु और माधवाचार्य, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर ए रामानुजाचार्य, ठीक है। तो अभी हाल ही में आपको मैंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आपके 216 फीट टॉल स्टैचू जो आपका इक्वालिटी पे वेस्ट है उसको इनोग्रेट किया आपके हैदराबाद में, ठीक है। और ये किसको फीचर करता है आपके मेनली 11th सेंचुरी भक्ति सेंट रामानुजाचार्य, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन विच मंथ द वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। कौन से महीने के अंदर हमारा वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास जनवरी, फरवरी, दिसंबर और नवंबर। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर बी फरवरी, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु इज द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम
विच वॉन द आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप इन 2022। तो अब मेनली आपको बताना है इनमें से कौन, किसने आपका हेड किया था आपका इंडियन टीम को जिसने जीता है आपका आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप को। तो ऑप्शन है आपके पास रशदुल, यशदुल और राज बारा, निशान सिंधु और साइक रशीद। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यशदुल। ठीक है, तो इसने कैप्टन किया था आपके इंडियन टीम को अंडर 19 आईसीसी वर्ल्ड कप के अंदर। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। और साथ ही आपको ये भी याद रखना है इंडिया ने किस टीम को आपको हराया था, तो इंडिया ने हराया था इंग्लैंड को बाय 4 विकेट्स। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए यशदुल आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच डेवलपिंग कंट्री हैज इम्पोज्ड अ बैन ऑन इम्पोर्ट ऑफ ड्रोन्स। किस डेवलपिंग कंट्री ने आपका बैन कर दिया आपका इम्पोर्ट ऑफ ड्रोन्स के ऊपर। तो ऑप्शन है आपके पास इंडिया, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना और ब्राजील। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। ठीक है, तो इंडिया ने इसे बैन कर दिया है आपके इम्पोर्ट ऑफ ड्रोन्स को लेकर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका इंडिया करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूएस स्टेट हैज सूड फेसबुक पैरेंट कंपनी मेटा ओवर फेशियल रिकॉग्निशन डाटा। ऑप्शन है आपके पास कैलिफोर्निया, टेक्सास, फ्लोरिडा और हस्टन। तो ऑप्शन जो आपका बी है आपका, ठीक है, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, टेक्सास। तो टेक्सास के जो अटोर्नी जनरल है उसने सू किया आपके फेसबुक के पेरेंट कंपनी मेटा को। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, खजुराहो डांस फेस्टिवल इज अ फेमस इवेंट ऑर्गेनाइज इन विच स्टेट। ऑप्शन से आपके पास गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो बी सी ऑप्शन जो आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मध्य प्रदेश। विच स्टेट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंट्री हैज अनवील्ड इट फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन। ऑप्शन से आपके पास चाइना, जापान, यूएसए और इजराइल। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर बी, जापान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु चेयर द कैबिनेट कमेटी ऑन सीसीएस इन इंडिया। ऑप्शन है आपके पास डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। तो राइट आंसर है इसका आपका प्राइम मिनिस्टर। तो जो आपकी कैबिनेट कमेटी जो है आपकी सिक्योरिटी के ऊपर सीसीएस, उसको चेयर करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो ये बात आपको ध्यान करनी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके हिसाब से बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हेल्थ स्टार रेटिंग इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन है आपके पास फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FSSAI, नाबार्ड, नीति आयोग। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर बी, FSSAI। ठीक है, तो आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर आपका ये चीज की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है हमारे पास, काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड अलोंग विच इंडियन रिवर। ऑप्शन से आपके पास गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सतलुज। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विच रेगुलेटर बॉडी लॉन्च द आइडियाथोन नेम मंथन। ऑप्शन से आपके पास RBI, नाबार्ड, सेबी, IRDAI। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सेबी। ठीक है, तो सेबी के जो चेयरपर्सन है उनका भी नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सेबी। ठीक है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ नासा'स स्पेसएक्स क्रू 4 एयरक्राफ्ट। ऑप्शन है आपके पास इंस्पायर, फ्रीडम, एस्पिरेशन और ट्रिम। तो राइट आंसर है आपका इसका ऑप्शन नंबर बी, फ्रीडम। ठीक है, तो नासा और स्पेसएक्स के जो नया आपका जो स्पेस क्राफ्ट है उसका जो नया नाम है वो है आपका फ्रीडम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच इंडियन बिलियनेयर टॉप्ड द हरन सेल्फ मेड वुमन इन द वर्ल्ड 2020 इन द कंट्री। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, कि किस इंडियन ने टॉप किया आपका सेल्फ मेड ह्यूमन इन द वर्ल्ड 2022 के अंदर। तो ऑप्शन है आपके पास किरण मजूमदार, फाल्गुनी नायर, राधा वेम्बू और मृदुला पारेख। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर बी, फाउंडर ऑफ नाइका, फाल्गुनी नायर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैगनर ग्रुप
इज अ प्राइवेट मिलिट्री कंपनी ऑफ विच कंट्री। तो मेनली आपको बताना है जो वैगनर ग्रुप है वो किस कंट्री की प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है। तो ऑप्शन है आपके पास यूएसए, रशिया, जर्मनी और चाइना। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर बी, रशिया। तो ये कंपनी कहाँ की आपकी? रशिया की। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री टॉप्स द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पर्सन किल्ड इन रोड एक्सीडेंट। तो मेनली आपको बताना है कौन सा कंट्री आपका टॉप किया गया है जिसके अंदर आपके सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट में लोग मारे जाते हैं। ऑप्शन से आपके पास चाइना, यूएसए, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। ठीक है, तो इंडिया ने इस पे टॉप किया है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट इज इंप्लीमेंटेड बाय विच इंडियन स्टेट। ऑप्शन से आपके पास गुजरात, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आपको बताना है कितनी कंट्रीज आपकी मेंबर है SCO की, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट आंसर है आपका इसका ऑप्शन नंबर बी, 8। ठीक है, तो 8 मेंबर है आपके मेनली इसके अंदर। आपको उन मेंबर्स के नाम भी याद रखने, मेनली आपके इसके अंदर चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये आपके कंट्रीज के नेम है 8 जो कि मेंबर है आपके SCO की। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, हु टॉप द फोर्ब्स 36th एनुअल वर्ल्ड ब्रिलियंट लिस्ट 2022। तो मेनली आपके ब्रिलियंट लिस्ट के अंदर किसने टॉप किया है 2022 के अंदर। ऑप्शन है आपके पास जेफ बेजोस, इलोन मस्क, वॉरेन बफेट और बिल गेट्स। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर बी, इलोन मस्क। ठीक है, तो इन्होंने टॉप किया आपके लिस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स। ऑप्शन है आपके पास फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और रशिया। तो 2026 का तो कॉमनवेल्थ गेम्स है और कौन होस्ट करने वाला है मेनली आपका, वो है आपका सही आंसर ऑस्ट्रेलिया। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप विद विच कंट्री। ऑप्शन है आपके पास यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, फिनलैंड। तो राइट आंसर है इसका आपका यूएसए। तो इंडिया और यूएसए ने ये डिसाइड किया है कि वो एस्टैब्लिश करेंगे आपके एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप। ठीक है, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर बी आर अम्बेडकर वॉज कन्फर्ड विद द भारत रत्न। तो मेनली आपको बताना है कौन से ईयर के अंदर आपको बी आर अम्बेडकर को आपको भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 1985, 1990, 1992 और 1995। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर बी, 1990। ठीक है, तो मेनली आपको 1990 के अंदर आपके बी आर अम्बेडकर को भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप इन 2022। ऑप्शन है आपके पास चाइना, इंडिया, ब्राजील, जापान। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू हिट 10,000 रन इन T20 क्रिकेट फॉर्मेट। तो कौन से पहले इंडियन क्रिकेटर बन चुके हैं जिन्होंने हिट किया है 10,000 रन T20 क्रिकेट के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा। तो राइट आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर सी, रोहित शर्मा। ठीक है, तो रोहित शर्मा पहले इंडियन बन चुके हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट के अंदर 10,000 रन पूरे किए हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच यूनियन मिनिस्ट्री इंस्टीट्यूशन रेगुलेट्स द निधि कंपनीज इन इंडिया। ऑप्शन है आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022। ऑप्शन है आपके पास वाराणसी, कोची, गांधीनगर और शिमला। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर सी, गांधीनगर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका गांधीनगर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आपका जो होस्ट करने वाला है आपका गांधीनगर ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बिलियनियर हैज स्टक अ डील टू बाय द ग्लोबल माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर।
तो अभी हाल ही के अंदर आपको पता है कि किस आपके बिलियनर ने आपके डील को रोक दिया है, आपके जो आपके ट्विटर को बाय कर रहे थे। तो सही आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर बी, इलोन मस्क। ठीक है, तो इलोन मस्क ने वो काम किया आपका, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930s इज द हेल्पलाइन नंबर रिलेटेड टू विच फील्ड। 1930 किस चीज का हेल्पलाइन नंबर है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास चाइल्ड लेबर, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, साइबर क्राइम और डोमेस्टिक वायलेंस। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर सी, साइबर क्राइम। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, साइबर क्राइम का नंबर है आपका 1930। ठीक है, तो चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ H5N1 बर्ड फ्लू वॉज रिपोर्टेड इन विच कंट्री। ऑप्शन है आपके पास यूके, ऑस्ट्रेलिया, केन्या और नॉर्थ कोरिया। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर ए, यूके। तो यूके में आपका रिपोर्ट किया गया था आपका H5N1 बर्ड फ्लू। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेस द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिजल्ट इन इंडिया। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी रिलीज करती है ये रिपोर्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास नेशनल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, नीति आयोग और वर्ल्ड बैंक इंडिया। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस। तो ये आपकी रिलीज करती है आपकी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट, ठीक है, हर साल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंपनी हैज डिजाइंड इंडियाज फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। तो ये इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम डिजाइन किया है। तो ऑप्शन है आपके पास DRDO, HAL, Alstom, ठीक है, और सीमेंस। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, Alstom। तो Alstom जो है वो इंडिया की पहली कंपनी है जिसने डिजाइन किया आपका रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को, RRTS। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंट्री इस्टेब्लिश्ड अ डिजिटल मार्केट यूनिट टू कर्व अथॉरिटी ऑफ बिग टेक कंपनीज ओवर न्यूज पब्लिशर। तो ऑप्शन है आपके पास USA, फ्रांस, UK और ऑस्ट्रेलिया। तो करेक्ट आंसर है आपका इसका ऑप्शन नंबर सी, यूके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ द फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम 2022। तो ऑप्शन है आपके पास अपू, धाकड़, वीर और गंभीर। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, धाकड़। तो अभी हाल ही के अंदर आपके जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर, उन्होंने लॉन्च किया मैस्कॉट धाकड़। ठीक है, और उसके साथ साथ उन्होंने लॉन्च किया आपका ऑफिशियल लोगो और ऑफिशियल जर्सी फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। ठीक है, और आपको इसमें एक और बात याद रखनी है कि जो आपका फोर्थ एडिशन जो आपको खेलो इंडिया यूथ गेम है वो 4 जून से लेकर के 13 जून तक होगा। और ये याद रखना है कहाँ पे होने वाला है, पंचकुला और बाकी अदर सिटीज। ठीक है, और इस साल 5 नए आपके ट्रेडिशनल गेम को ऐड किया गया है इस खेलो इंडिया यूथ गेम के अंदर। तो वो गेम्स है आपके कटका, थंगता और कलारी पटियट्टू और मलवाखाम और योगासन। ठीक है, ये 5 गेम को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच यूनियन मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट्स द PM मित्र स्कीम। तो ऑप्शन है आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो करेक्ट आंसर है इसका मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज इंडिया रुपीज ऑल टाइम लो रिकॉर्ड अगेंस्ट US डॉलर। तो अभी हाल ही के अंदर जो हमारा इंडियन रुपी है वो ऑल टाइम लो चल रहा है हमारा US डॉलर से कंपेयर करने पे। ठीक है, तो वो कितना चल रहा है। तो ऑप्शन है आपके पास 77.42, 77.17, 76.47 और 76.90। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 77.42। तो अभी हमारा जो इंडियन रुपी है वो डॉलर के मुकाबले सबसे लो पे चल रहा है, जो कि हमारा 77.42 है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच नेशंस हेल्थ एजेंसी हैज कंफर्म्ड अ केस ऑफ मंकी पॉक्स। अब किस नेशन की हेल्थ एजेंसी ने ये कंफर्म किया है मंकी पॉक्स का केस। तो ऑप्शन है आपके पास इंडिया, US, UK और साउथ अफ्रीका। तो करेक्ट आंसर है आपका UK। तो UK की जो हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी है उन्होंने कंफर्म किया है कि मंकी पॉक्स का जो केस इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, और जो आपका जो जिस इंसान को ये हुआ है वो हाल ही के अंदर अभी ट्रैवल करके आया था नाइजीरिया से। तो ऐसा माना जा रहा है कि वहीं से उसको ये मंकी पॉक्स का जो वायरस है वहीं से कॉन्टैक्ट किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना कि ऑप्शन नंबर सी, UK के अंदर ये केस पाया गया। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, UK। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इंडियन स्टेट हैज रिपोर्टेड एटलीस्ट 82 केस ऑफ टोमेटो फीवर। ठीक है, तो अभी हाल ही के अंदर ये केस बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो आपको बताने की किस स्टेट के अंदर पाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो करेक्ट आंसर है आपका बी, ऑप्शन नंबर बी, केरला। तो केरला के अंदर अभी हाल ही के अंदर कम से कम 82 केस रिपोर्ट किया गया है टोमेटो फीवर का। ठीक है, कहाँ पे? कोल्लम सिटी के अंदर। और जो आपको ये बात इसमें याद रखनी, टोमेटो जो फीवर है आपकी वो एक बिल्कुल टोमेटो फ्लू की तरह है। ठीक है, और ये एक बिल्कुल रेयर काइंड ऑफ वायरल इन्फेक्शन है, और ये जो चिल्ड्रन होते हैं एज ऑफ 5 से कम के उनको ज्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर बी, केरला के अंदर ये अभी फैल रहा है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन डज रशिया सेलिब्रेट विक्ट्री डे एवरी ईयर। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है कि रशिया हर साल विक्ट्री डे कौन से दिन सेलिब्रेट करता है। तो ऑप्शन है आपके पास 9th में, 10th में, 11th में और 22nd में। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 9th में। तो रशिया हर साल विक्ट्री डे सेलिब्रेट करता है अपने 9th मई को। ठीक है, और ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राखीगढ़ी वन ऑफ द ओल्डेस्ट हरप्पन साइट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो आपको बताना है इसमें कि राखीगढ़ी जो है हमारा सबसे पुराना ओल्डन हरप्पन साइट जो है हमारा वो कौन से स्टेट के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु हैज बिकम द फर्स्ट टेनिस प्लेयर टू बीट बोथ राफेल नडाल एंड नोवाक जोकोविच एट सेम क्ले कोर्ट इवेंट। तो अभी हाल ही के अंदर कौन से प्लेयर बन गए जिन्होंने आपके राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच को हराया। ठीक है, और तो ऑप्शन है आपके पास अलेक्जेंडर ज़िवेरेव, स्टैम्फोस टीसीटीपीएस और एंड्री रूलबेव और कार्लोस अल्काराज। तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, कार्लोस अल्काराज। ठीक है, तो ये एक टेनिस प्लेयर है कार्लोस अल्काराज, जो कि पहले टेनिस प्लेयर है जिन्होंने हराया है राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच को। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच इंडियन कॉन्ग्लोमेट हैज एक्वायर्ड अ फ्रेंचाइज इन द अपकमिंग यूएई टी20 लीग। तो अभी हाल ही के अंदर किस कंपनी ने एक्वायर किया आपका यूएई के अंदर टी20 लीग होने वाला है उसके अंदर एक टीम को। तो ऑप्शन है आपके पास टाटा ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, अडानी ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अडानी ग्रुप। ठीक है, तो अडानी ग्रुप ने हाल ही के अंदर एक्वायर किया है। ठीक है, जो यूएई के अंदर आपका टी20 लीग है उसके अंदर एक टीम को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन पुलित्जर प्राइज 2022 इन द फीचर फोटोग्राफी कैटेगरी। तो ऑप्शन है आपके पास दानिश सिद्दीकी, लीजा फ्लैंकबर्ग, माइकल लिंडनबर्जर और द जर्नलिस्ट ऑफ यूक्रेन। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, दानिश सिद्दीकी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो दानिश सिद्दीकी, उन्हें अवार्ड किया गया है 2022 का पुलित्जर अवार्ड प्राइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच मीडिया ऑर्गेनाइजेशन वॉज अवार्डेड द पुलित्जर प्राइज 2022 इन द पब्लिक सर्विस कैटेगरी। तो ऑप्शन आपके पास न्यूयॉर्क टाइम, अल जजीरा, ट्विटर्स और वॉशिंगटन पोस्ट। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, वॉशिंगटन पोस्ट। ठीक है, इन्हें दिया गया आपका पुलित्जर प्राइज 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वॉज सोन इन एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया ऑन मे 10th। तो किन्हें अभी हाल ही के अंदर साउथ कोरिया का नया प्रेसिडेंट चुना गया है। तो ऑप्शन आपके पास यून सुक योल, ली जे म्यूंग, चाओ मी ई और पाक योग जिन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यून सुक योल। तो इन्हें अभी हाल ही के अंदर नया प्रेसिडेंट बनाया गया साउथ कोरिया के अंदर, और ये बात आपको याद रखनी है कि ऑप्शन नंबर ए, यून सुक योल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, लीजेंडरी म्यूजिशियन पंडित शिव कुमार शर्मा वॉज क्रेडिटेड फॉर पॉपुलराइजिंग विच इंस्ट्रूमेंट अमंग द जनरल पब्लिक। तो आपको बताना है कि आपके लीजेंडरी म्यूजिशियन है पंडित शिव कुमार शर्मा, इन्हें किस चीज का क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने जनरल पब्लिक के बीच में कौन सा इंस्ट्रूमेंट को पॉपुलर किया था। तो ऑप्शन आपके पास संतूर, सितार, सरोड और तंबूरा। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, संतूर। तो इन्हें शिव कुमार शर्मा जी को, ठीक है, इन्होंने आम पब्लिक के बीच में आपके संतूर को बहुत ज्यादा पॉपुलर कर दिया था। ठीक है, और
इनका हाल ही के अंदर डेथ हुआ है 10th May 2022 को एज ए 8 और 24, तो ये बात आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन भी इस साल के करंट अफेयर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है कि वो किस चीज के लिए जाने जाते हैं, तो संतूर के लिए वो जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। स्टार्टअप रिसेंटली बिकेम द 100th यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन है आपके पास फ्रैक्टल, गेम्स 24x7, ओपन और लाइव स्पेस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी, ओपन। तो हाल ही के अंदर आपका जो 100 आपका स्टार्टअप बना है यूनिकॉर्न, वो है आपका ओपन, और ये क्या है आपका नियो बैंकिंग फिनटेक पोर्टल है, ठीक है। और इन्होंने अभी हाल ही में आपकी फंडिंग उठाई थी, इसके बाद ये $1 बिलियन स्टार्टअप बन चुका है, तभी हम इसे कहते हैं यूनिकॉर्न, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि कितने नंबर का यूनिकॉर्न बना है, 100th यूनिकॉर्न, ठीक है। और इसमें एक और बात आपको याद रखने की है कि 2022 के अंदर आपके अब तक 14 यूनिकॉर्न बन चुके हैं, जैन से लेकर अभी तक, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। और 2021 के अंदर आपके टोटल 42 स्टार्टअप आपके यूनिकॉर्न बने थे, ठीक है। और अभी आप देख सकते हो कि 22 में सिर्फ 3 महीनों के अंदर आपके 14 स्टार्टअप बन चुके हैं आपके यूनिकॉर्न। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया फर्स्ट फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब हैज बीन सेट अप इन विच सिटी। अभी हाल ही के अंदर आपका इंडिया का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ पे सेटअप किया गया है। ऑप्शन आपके पास मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु और न्यू दिल्ली। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। तो हैदराबाद के अंदर आपका ये सेटअप किया गया है किसके द्वारा, डॉक्टर रेड्डी इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस, ठीक है। चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इंडिया फर्स्ट ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी हैज बीन अनाउंस्ड बाय विच स्टेट और यूटी, ठीक है। ऑप्शन आपके पास मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात और ओडिशा। सो करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। सो ओडिशा स्टेट ने आपके एक एमओयू साइन किया आपका रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर के साथ, ठीक है, ताकि वो ट्राइबल हेल्थ, जो ट्राइबल की हेल्थ है उन पे वो ध्यान दे सके, ठीक है। चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यूएस एफडीए हैज लिमिटेड द यूज ऑफ विच कंपनी COVID-19 वैक्सीन ओवर ब्लड क्लॉट रिस्क। अभी हाल ही के अंदर ना आपके यूएस के जो एफडीए है आपका, उसने लिमिट कर दिया है कौन से COVID-19 वैक्सीन को, क्योंकि उस COVID-19 वैक्सीन से कुछ ब्लड क्लोटिंग रिस्क हो रहे थे, ठीक है। तो ऑप्शंस आपके पास है जॉनसन एंड जॉनसन, फाइजर, मॉडरेना और एस्ट्राजेनिका। तो करेक्ट आंसर है आपका इसका ऑप्शन नंबर ए, जॉनसन एंड जॉनसन। तो यूएस की जो आपकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है एफडीए, उसने लिमिट कर दिया यूज करना जॉनसन एंड जॉनसन COVID-19 वैक्सीन को, कब से, 5th मई से, ठीक है। क्योंकि इससे आपके कुछ ब्लड क्लोट हो रहे थे आपके, तो इसकी वजह से उन्होंने बैन कर दिया इसको, ठीक है, आपका यूज रिस्ट्रिक्ट कर दिया आपका मेनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मैरीन मैमल इज ऑन द वर्स ऑफ एक्सटिंक्शन। ऑप्शन आपके पास हार्बर प्रोपोज, बी आपके पास वेकीटा, सी ऑप्शन है आपके पास नेमाटा फोकोनिया, और डी ऑप्शन आपके पास येंस्टीस फिल्लेस प्रोपोज, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है आपका मेनली ऑप्शन नंबर बी, वकीटा, ठीक है। तो ये अभी आपके एक्सटिंक्शन डेट पे आ चुका है ये आपका, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंट्री हैज शेड्यूल्ड टू होस्ट एशियन गेम्स 2022। सो कौन होस्ट करने वाला है आपका एशियन गेम 2022। ऑप्शन है आपके पास जापान, चाइना, साउथ कोरिया और इंडिया। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, चाइना। सो चाइना इस साल आपका होस्ट कर रहा है एशियन गेम 2022, कहाँ पे, चाइना, हैंगजोंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ फेटल केस ऑफ सिगेला बैक्टीरिया हैज रिपोर्टेड रिसेंटली इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। ऑप्शन आपके पास तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा एंड केरला। तो करेक्ट आंसर क्या आपका, ऑप्शन नंबर डी, केरला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल 5 पग्स अमंग 800 मीटर्स। सो क्वेश्चन में आपसे मेनली कहा गया है कि वो पहली इंडियन वुमन कौन सी बन गई है जिन्होंने 5 पिक्स, जो और सारे के सारे पिक्स कितने से ऊपर है, 8,000 मीटर से ऊपर है, वो किसने आपका
सारे पीक को आपने स्केल किया है, तो ऑप्शन है आपके पास अरुणिमा सिन्हा, विजेंद्री पाल, प्रियंका मोहिते और शिवांगी पाठक। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रियंका मोहिते ने आपके वो पहली ह्यूमन बन गई है जिन्होंने सारे जो आपके 5 पीक्स थे वो 8,000 मीटर से ऊपर थे, और इन्होंने ये अचीव किया है आफ्टर क्लाइंबिंग माउंट कंचनजंगा 8,586 मीटर को करने के बाद। ठीक है, और जो आपका कंचनजंगा है वो आपका थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक है वर्ल्ड के अंदर, और ये इन्होंने कब किया, 5 मई 2022 को। तो ये बात आपको याद रखनी है, इनका नाम क्या है, प्रियंका मोहिते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इंडियन स्टेट रिसेंटली पास्ड अ स्टार्टअप पॉलिसी टू सपोर्ट 15,000 स्टार्टअप बाय 2030। तो मेनली आपकी अभी किस स्टेट ने ये पॉलिसी लॉन्च किया है, स्टार्टअप पॉलिसी, जिसके अंदर उन्हें कहा गया है कि वो 2030 तक 15,000 स्टार्टअप को हेल्प करेंगे। तो ऑप्शन है आपके पास आसाम, न्यू दिल्ली, राजस्थान और पंजाब। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली। सो अभी दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्ट्री ने ये पास किया है स्टार्टअप पॉलिसी, जिसके अंदर वो 2030 तक 15,000 स्टार्टअप को हेल्प करने की बात की गई है। ठीक है, और इसको हेड कौन करेगा, ये स्टार्टअप पॉलिसी को, वहां के फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द न्यू टोटल फर्टिलिटी रेट इन इंडिया एज पर द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। सो अभी हाल ही में जो आपका रिपोर्ट आया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, उसके अंदर इंडिया की फर्टिलिटी रेट क्या बताई गई है, ठीक है, नई वाली। तो ऑप्शन है आपके पास 2.4, 2.2, 2.0 और 19। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 2.0। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी विल ओपन इन विच सिटी ऑन 11th। ऑप्शन है आपके पास पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली। तो जो आपके यूनियन मिनिस्ट्री है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के नारायण जाने, वो इनोग्रेट करेंगे पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी कितने तारीख को, 11th मई को। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु हैज बीन नेम्ड आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अप्रैल। तो किन्हें चुना गया आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, अलाइसा हेली। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की जो ओपनर है अलाइसा हेली, उन्हें चुना गया है आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अप्रैल 2022। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु हैज बीन नेम्ड आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अप्रैल 2022। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका केशव महाराज। तो ये आपके साउथ अफ्रीका के स्पिनर केशव महाराज, जिन्हें चुना गया आपका आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अप्रैल 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच यूनियन मिनिस्टर विल बी लीडिंग द इंडिया डेलीगेशन एट कैनस 2022 फेस्टिवल। तो ऑप्शन आपके पास निर्मला सीतारमन, अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल और किरण रिजिजू। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुराग ठाकुर। तो जो आपके यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर, वो लीड करेंगे इंडियन डेलीगेशन को। ठीक है, कहाँ पे, आपके कैनेस 2022 फिल्म फेस्टिवल के अंदर। और इस डेलीगेशन के अंदर कौन कौन होने वाले हैं, तो इसके अंदर होंगे आपके ए आर रहमान, अक्षय कुमार, आर माधवन, नयनतारा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और पूजा हेगड़े। ठीक है, तो इसे लीड कौन करेंगे, हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ईयर वॉज द सेडिशन लॉ इंसर्टेड इन टू सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी बाय द ब्रिटिश। तो ऑप्शन है आपके पास 1940, 1930, 1870 और 1910। तो करेक्ट आंसर है आपका 1870। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ येलो रोड लाइक स्ट्रक्चर हैज बीन डिस्कवर्ड बाय द एक्सप्लोरेशन टीम एट द बॉटम ऑफ विच ओशन। तो ऑप्शन है आपके पास पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन और इंडियन ओशन। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पैसिफिक ओशन। तो अभी हाल ही के अंदर एक येलो ब्रिक रोड है वो पाई गई है आपकी बॉटम ऑफ द पैसिफिक ओशन। ठीक है, और ये बात आपको याद रखनी है। तो करेक्ट आंसर है आपका पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, न्यूजीलैंड हैज डिसाइडेड टू फुली ओपन द इंटरनेशनल बॉर्डर फॉर विजिटर्स फ्रॉम विच डे। तो न्यूजीलैंड ने अभी हाल ही में डिसाइड किया है कि वो ओपन करने वाली अपने इंटरनेशनल बॉर्डर कब से करेगी, आपको वो डेट बतानी है। तो करेक्ट आंसर है आपका 31 जुलाई। तो न्यूजीलैंड जो है अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर को सभी के लिए ओपन कर देगी 31 जुलाई से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच कंट्री इज होस्टिंग द थॉमस एंड द यूबर कप 2022। तो आपको बताना है कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है थॉमस एंड यूबर कप 2022। तो ऑप्शन है आपके पास चाइना, साउथ कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया।
तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड। ठीक है, तो थॉमस और उबर कप इस बार कौन होस्ट करने वाली है? आपकी थाईलैंड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है आपका थाईलैंड। और ये कब से कब तक होने वाला है? 8 मई से लेकर 15 मई तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच कंट्री हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू चेयर ऑफ द एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज? तो ऑप्शन आपके पास मालदीव्स, इंडिया, बांग्लादेश, मलेशिया। तो करेक्ट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, व्हेन इज इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑब्जर्व? ठीक है, तो व्हेन इज नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑब्जर्व? तो आपके पास ऑप्शन है मई 9th, मई 10th, मई 11th और मई 12th। तो करेक्ट आंसर है इसका मई 11th। तो इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी हमारा ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 11th मई को। और इस दिन हम क्यों मनाते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे? क्योंकि इसी दिन हमने सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट किया था पोखरान मई 1998 को। तो तब से हम बनाते हैं हमारा नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11th ऑफ मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हु हैज बीन नेम्ड एज अ न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? ऑप्शन है आपके पास संजीव कुमार, राजीव कुमार, राजीव मेहता और सुशील मेहता। तो अभी हाल ही में किसे चुना गया नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, राजीव कुमार। तो जो आपके इलेक्शन कमिश्नर थे इससे पहले राजीव कुमार, उन्हें अब चुना गया है एज ए न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, और ये किनको सक्सीड करेंगे? तो ये करेंगे हमारे सुशील चंद्र जी को, जिनकी जो पोस्ट है वो 14 मई को खत्म हो रही है। अब 15 मई से कौन चार्ज संभालेंगे? हमारे राजीव कुमार। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच कंट्री रिपोर्टेड इट्स फर्स्ट एवर केस ऑफ कोविड-19 ऑन मई 12th 2022? तो किस कंट्री ने हमारे पहला केस रिपोर्ट किया कोविड-19 का? तो तब से आपको 2020 में कोविड आउटब्रेक हुआ है, उसके बाद से पहली बार किसी कंट्री ने आपका कोविड-19 रिपोर्ट किया है। ठीक है, अब तक इस केस में कोई भी केस नहीं था इस कंट्री के अंदर, लेकिन अब पहला केस इसमें रिपोर्ट किया गया है। तो ऑप्शन आपके पास नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ताइवान और न्यूजीलैंड। तो आप इसका आंसर कोई जो ऑप्शन है उसमें गेस कर सकते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया ने भी हाल ही में पहला कोविड-19 केस रजिस्टर किया है ऑन गोल्ड इन मेंस 10 मीटर एयर राइफल एट 24th डेफ ओलंपिक्स इन ब्राजील। सो मेनली आपसे पूछा गया है कि किसने अभी हाल ही में जो ब्राजील के अंदर डेफ ओलंपिक चल रहा है उसमें गोल्ड मेडल जीता है आपके मेंस 10 मीटर एयर राइफल कॉम्पिटिशन में? तो ऑप्शन है आपके पास शौर्य सैनी, धनुष श्रीकांत, शुभम वशिष्ठ और वैभव राजौरिया। तो करेक्ट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी, धनुष श्रीकांत। तो धनुष श्रीकांत ने आपके गोल्ड मेडल जीता है आपका 10 मीटर कंपटीशन राइफल कंपटीशन के अंदर। किसके अंदर? आपके डेफ ओलंपिक्स ब्राजील में चल रहा है आपका। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट बीसीसीआई हैज बैंड जर्नलिस्ट फॉर डैश फॉर 2 ईयर्स इन विद्वान शाह केस। तो अभी हाल ही में ना आपके बीसीसीआई ने बैन किया एक जर्नलिस्ट को, तो आपको उस जर्नलिस्ट का नाम बताना है। तो ऑप्शन है आपके पास जतिन सप्रू, संजीव मुखर्जी, आपका बोरिया मजुमदार और कदम बरी मुराली। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी, बोरिया मजुमदार। सो बीसीसीआई ने आपके अभी हाल ही में एक जर्नलिस्ट को बैन किया जिनका नाम है बोरिया मजुमदार। तो ये बात आपको याद रखना है। और कितने साल के लिए बैन किया है? तो ये आपके 2 ईयर्स के लिए बैन किया गया उनको। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच बैंक हैज लॉन्च स्किल लोन्स इन एसोसिएशन विद एडिशनल स्किल एक्विजिशन प्रोग्राम ASAP केरला। तो ऑप्शन है आपके पास बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो कैनरा बैंक ने लॉन्च किया आपका स्किल लॉन्च किनके साथ मिलकर? आपका ASAP एडिशनल स्किल एक्विजिशन प्रोग्राम। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे? ठीक है, तो आपको थीम बताना है वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे का 2022। तो ऑप्शन है आपके पास आवर हैंड आवर फ्यूचर, रेज अ हैंड फॉर हाइजीन, क्लीन केयर फॉर ऑल, इट्स इन योर हैंड। डी ऑप्शन है आपके पास यूनाइट फॉर सेफ्टी, क्लीन योर हैंड्स। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका यूनाइट फॉर सेफ्टी, क्लीन योर हैंड करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, इसरो प्लानिंग टू लॉन्च मिशन टू वीनस इन दिसंबर। तो आपको ईयर बताना है कि कब इसरो जो है प्लान कर रहा है अपना पहला लॉन्च करने का मिशन, कहाँ पे? वीनस। ठीक है, तो वीनस आपका जो प्लैनेट है वहां पे वो लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है। तो आपको बताना है कौन सी ईयर में वो प्लानिंग कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास 2021,
2023 और 2024. तो करेक्ट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी 2024, ठीक है, और इसरो इज एक्सपेक्टिंग टू लॉन्च द मिशन बाय दिसंबर 2024, ठीक है, और इसमें आपको इसरो की फुल फॉर्म भी याद रखनी है, जो फुल फॉर्म है आपकी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो ये बात आपको याद रखनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ओलंपियन कमलप्रीत कौर हैज बीन सस्पेंडेड बाय द एथलीट्स इंटीग्रिटी यूनिट AIU फॉर टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर अ बैंड सब्सटेंस स्टैंडजोलोल. तो अभी हाल ही के अंदर ना आपके जो ओलंपिक जो आपकी प्लेयर थी कमलप्रीत कौर, उन्हें सस्पेंड किया गया AIU के द्वारा. तो आपको मेनली क्वेश्चन में ये बताना है कि जो कमलप्रीत कौर थी वो किस चीज की खिलाड़ी थी, आपकी डिस्कस थ्रो, शूटिंग, टेबल टेनिस और जेवलिन थ्रो. अभी हाल ही में आपने जब न्यूज देखा होगा ओलंपिक्स का, तो उसके अंदर ये काफी पॉपुलर हुई थी. तो आपको बताना है कौन सी खिलाड़ी है ये, किस चीज की. तो करेक्ट आंसर क्या आपका, ऑप्शन नंबर ए डिस्कस थ्रो, ठीक है. और इनकी बात रखने की ये भी थी कि ये ओलंपिक्स के अंदर टॉप 6 में थी ये, ठीक है, तो 6th रैंक था इनका ओलंपिक्स के अंदर, तो इसलिए ये बात भी याद रखनी है. तो अभी हाल ही में इन्हें AIU के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है. तो करेक्ट आंसर क्या आपका, ऑप्शन नंबर ए ये डिस्कस थ्रो प्लेयर है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच कंट्री विल बी द फर्स्ट ऑफिशियल कंट्री ऑफ ऑनर एट द अपकमिंग मार्ची डी यू फील इन फ्रांस. तो ऑप्शन है आपके पास नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका. तो इसमें जो करेक्ट आंसर वो आपका ऑप्शन नंबर सी इंडिया. तो इंडिया को मौका दिया गया आपके, ठीक है, जो आपका अभी हाल ही में मार्ची ड्यू फिल्म फेस्टिवल होगा उसके अंदर, ठीक है, और कहाँ पे होता है ये आपके फ्रांस. तो हाल ही में आपके जो यूनियन मिनिस्टर है इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग ठाकुर, उन्होंने ये बात बताई है आपको, ठीक है. तो अभी हाल ही में उन्होंने ये बात बताई कि इंडिया जो होगा वो ऑफिशियल कंट्री ऑफ ऑनर है, कहाँ पे, आपके मार्ची ड्यू फिल्म इन फ्रांस के अंदर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. तो भी हाल ही में किसे इलेक्ट किया गया आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोस्ट पे, ठीक है, किसके अंदर, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के अंदर. तो ऑप्शन आपके पास दिलीप संघाई, शेर सिंह, बी खलाइया, के एस मानी और अरविंद कृष्णा. तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी अरविंद कृष्णा. और अरविंद कृष्णा कौन है, आपके चेयरमैन और CEO है IBM के, ठीक है, तो ये बात याद रखनी है आपको. और इनका टर्म कितने साल का होगा, 3 साल का, जो कि खत्म होगा आपका 31 दिसंबर 2023 के अंदर, ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चंस, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैज डिजाइंड एंड एस्टैब्लिश अ हेल्थ क्लाउड अ मोबाइल कंटेनर हॉस्पिटल एट डैश इनॉग्रेटेड बाय हु इनोवेशन हब. ऑप्शन आपके पास बेंगलुरु कर्नाटक, न्यू दिल्ली दिल्ली, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश और कुला शेरा पट्टनम तमिलनाडु. तो करेक्ट आंसर है आपका सी, आपका डिटेल एंड हु ने इनोग्रेट किया आपका मोबाइल कंटेनर हॉस्पिटल, कहाँ पे, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर. तो रेलटेल और हु ने मिलकर इनोग्रेट किया ये चीज, ठीक है. तो ऑप्शन नंबर सी आपका करंट आंसर है, रेलटेल और हु ने मिलकर कहाँ पे किया, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच स्टेट हैज लॉन्च द लोन स्कीम जीवाला फॉर इमिटेट सर्विंग सेंटेंस इन जेल. ऑप्शन आपके पास गुजरात, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र. तो करेक्ट आंसर क्या आपका, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र, ठीक है. तो महाराष्ट्र ने भी हाल ही में लॉन्च किया आपका जीवाला स्कीम, जिसके अंदर आपको मेनली प्रिजनर्स को उनकी फैमिली को हेल्प करने के लिए लोन्स प्रोवाइड की जाती है, ठीक है. तो ये बात आपको याद रखनी है कि महाराष्ट्र. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच कंपनी हैज इंडिजिनियसली बिल्ट स्वाथि वेपन लोकेटिंग रडार. तो ऑप्शन है आपके पास HAL, BDL, BEL और अस्त्र. तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए BEL, ठीक है. तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए BEL. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच नेशन विल होस्ट द 2027 एशिया गेम्स. तो कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है 2027 का एशिया गेम्स. तो ऑप्शन है आपके पास इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और मालदीव्स. तो करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी मलेशिया. तो मलेशिया जो है 2027 का एशिया गेम्स होस्ट करेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड भारत टैप इनिशिएटिव. तो आपको बताने की कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने हमारा लॉन्च किया भारत टैप इनिशिएटिव. तो ऑप्शन है आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्म वेलफेयर और डी ऑप्शन है आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ MSME, ठीक है. तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी
मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जिन्होंने स्टार्ट किया ये इनिशिएटिव भारत टैग, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इंस्टीट्यूशन हैज अनाउंस्ड टू सेट अप युवा टूरिज्म क्लब, ठीक है। अब आपको बताना है कौन से इंस्टीट्यूशन ने अभी अनाउंस किया कि वो सेटअप करने वाली है युवा टूरिज्म क्लब्स। तो ऑप्शन है आपके पास CBSE, UGC, इसरो और नीति आयोग। तो करेक्ट आंसर है इसका आपका CBSE। तो CBSE ने भी हाल ही में अनाउंस किया है कि वो एक इनिशिएटिव लॉन्च करने वाली है जिसके अंदर आपके जितने भी एफिलेटेड स्कूल है उसको कहा गया है कि वो फॉर्मेशन करे युवा टूरिज्म क्लब्स का, ठीक है। और ये हमारे जो अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है इसके इनिशिएटिव में लिया गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर ए CBSE ने ये इनिशिएटिव लिया है। तो करेक्ट आंसर है आपका CBSE, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज डिथ्रोन्ड एप्पल टू बिकम द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। तो अभी हाल ही में ना एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि अभी जो हमारा मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है वो चेंज हो चुकी है, पहले कौन थी, एप्पल थी। तो एप्पल को किसने डिथ्रोन किया, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास टाटा TSC, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, दूसरे आपके पास सऊदी अरामको, अल्फाबेट और फिर डी ऑप्शन आपके पास टाइगर मिडको। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी ऑयल गेंट सऊदी अरामको, ठीक है। इसने डिथ्रोन किया आपका एप्पल कंपनी को और अब बन गई है वो सबसे दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी सऊदी अरामको करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, Who has been appointed as a new Chief Executive Officer, CEO and Managing Director of Air India? Options आपके पास Vipula, Vikram Dev Dutt और Campbell Wilson और Atul Bhatt। तो करेक्ट आंसर है इसका आपके पास ऑप्शन नंबर सी Campbell Wilson, ठीक है। और ये भी होने वाले हैं आपके CEO और MD Air India के, तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, Who among the following has been appointed as a next चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? ऑप्शन है आपके पास सुशील चंद्र, अरविंद पनग्रिया, सुमन बैरी और राजीव कुमार। तो करेक्ट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर डी राजीव कुमार। अब जो हमारे नए इलेक्शन कमिश्नर होने वाले हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो राजीव कुमार होने वाले हैं। इससे पहले वो किस पोस्ट पे थे, इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट पे थे, अब वो क्या बनने वाले हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी राजीव कुमार इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, Who has been appointed as a Louis Vuitton first ever Indian brand ambassador? तो अभी तक ना कोई भी हमारा Louis Vuitton जो ब्रांड है हमारा उसका कोई इंडियन ब्रांड एम्बेसडर नहीं था। पहली बार किसे चुना गया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर Louis Vuitton का? तो ऑप्शन है आपके पास प्रियंका चोपड़ा, सुष्मिता सेन, दीपिका पादुकोण और डी ऑप्शन आपके पास अनुष्का शर्मा। तो करेक्ट आंसर है इसका आपके पास ऑप्शन नंबर सी दीपिका पादुकोण, इन्हें चुना गया है एज ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ Louis Vuitton, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है क्योंकि इंडिया से कोई पहली बार ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है इस प्रोडक्ट के लिए, तो ये बात आपको इसलिए याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स हैव बीन वॉन बाय इंडियन आर्चर्स एट एशिया कप 2022 कैंपियन इन इराक? तो आपको बताना है कि अभी हाल ही में जो इराक में कॉम्पिटिशन चल रहा है आर्चर एशिया कप चल रहा है जो, उसके अंदर इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं? तो करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी 14, ठीक है। तो इंडिया ने अभी तक 14 मेडल जीते हैं जिसमें से 8 गोल्ड है हमारे पास, 4 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज है, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है 8 गोल्ड है, 4 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज है, ठीक है। आर्चरी एशिया कप 2022 स्टेज 2 के अंदर हमने 14 मेडल जीते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज पीएम वाणी स्कीम स्टैंड फॉर? अब ये किस टाइप के क्वेश्चन है आपके आते रहते हैं कि ये किसके लिए स्टैंड होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है पीएम वाणी स्कीम किसके लिए स्टैंड होता है। ऑप्शन है आपके पास प्राइम मिनिस्टर वायरलेस एसेस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम, प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एसेस नेटवर्क इंटरमिशन स्कीम और सी ऑप्शन है आपके पास प्राइम मूवेबल वाईफाई एसेस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम और लास्ट ऑप्शन है आपके पास प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एसेस नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एसेस नेटवर्क इंटरफेस आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। आपको जो ऑप्शन है वो आपको कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, सारे लगभग एक जैसे ही हैं, बट कुछ वर्ड का फर्क है तो आपको इसका याद रखना है।
पेपर में गलती नहीं करनी है कि आप कुछ और मार्क कर दो, ठीक है? तो आपको बिल्कुल ये ध्यान से करना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एसएस नेटवर्क इंटरफेस। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैज बीन वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन फिलीपींस। ऑप्शन आपके पास, रोड्रिगो डुटेर्टे, फर्डिनेंड मार्कोस, बेनिगनो एक्विनो और लास्ट ऑप्शन आपके पास, ग्लोरिया मैकापागल एरियो। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, फर्डिनेंड मार्कोस। ठीक है, और ये बात आपको याद रखनी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिन्होंने हाल ही में फिलीपींस का प्रेजिडेंशियल इलेक्शन जीत लिया 2022 के लिए। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंटर सोलर यूरोप कॉन्फ्रेंस विल टेक प्लेस इन विच कंट्री। अब आपको बताना है जो अभी इंटर सोलर यूरोप कॉन्फ्रेंस होने वाला है वो किस कंट्री में होने वाला है। ऑप्शन है आपके पास, यूएसए, इंडिया, जर्मनी और कनाडा। करेक्ट आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। ठीक है, तो ये कब होने वाला है, 11th मई से 13th मई के बीच में, कहाँ पे, म्यूनिख जर्मनी के अंदर। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, सी ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म NDAP। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नीति आयोग, नैसकॉम और सीडैक। तो करेक्ट आंसर है इसका आपके पास नीति आयोग। तो नीति आयोग ने भी हाल ही में लॉन्च किया है नेशनल डाटा एंड एनालिस्ट प्लेटफॉर्म NDAP। ठीक है, बी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल म्यूजियम डे। तो इस बार का जो इंटरनेशनल म्यूजियम डे का थीम वो क्या है, वो पूछा गया आपसे। ऑप्शन है आपके पास, बायो रिस्टोरेशन इन म्यूजियम्स, पावर ऑफ म्यूजियम्स, कल्चरल एक्सचेंज और ग्लोबल कोऑपरेशन। तो करेक्ट आंसर है आपके पास पावर ऑफ म्यूजियम। तो ये हमारा इस बार का, ठीक है, तो ये हमारा इस बार का है हमारा थीम, इसका म्यूजियम डे का। तो ये बात आपको याद रखना है, बी ऑप्शन पावर ऑफ म्यूजियम करेक्ट आंसर है। इंडियाज फर्स्ट अमृत सरोवर हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। अब कौन से स्टेट के अंदर इनॉग्रेट किया गया है। ऑप्शन है आपके पास, गोवा, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा उत्तर प्रदेश, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रूरल ट्राइबल टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट वॉज इनोग्रेटेड फ्रॉम विच प्लेस। ऑप्शन है आपके पास, बनारसी, गांधीनगर, भोपाल और पुणे। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, भोपाल। ठीक है, Who has been appointed as a president of Confederation of Indian Industry CII for the year 2022 and 23? तो हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ CII? ऑप्शन है आपके पास, पवन मुंजल, डी दिनेश, संजीव बजाज और टीवी रेंद्रन। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, चेयरमैन जो हमारे बजाज फिनसर्व लिमिटेड के संजीव बजाज, उन्हें हमारा प्रेसिडेंट बनाया गया है CII, Confederation of Indian Industry। ठीक है, और ये कब से कब तक रहने वाले हैं, 2022 से 23 के बीच में रहने वाले हैं। और इससे पहले कौन थे हमारे, उससे पहले थे हमारे CEO टीवी नरेंद्रन, तो उसको रिप्लेस करके ये अब बनने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु हैज टॉप द लिस्ट ऑफ फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट 2022 विद रिपोर्टेड इनकम ऑफ 130 मिलियन। तो हाल ही में जो रिपोर्ट आया उसके अंदर किसने टॉप्स किया हमारा हाईएस्ट पेड एथलीट 2022 के अंदर। तो ऑप्शन है आपके पास, लियोन मेसी, बीरोन जेम्स, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और नेमार। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, लियोन मेसी। इन्होंने इस लिस्ट को टॉप किया है, इनकी जो इनकम है टोटल 2022 की वो थी हमारी 130 मिलियन। ठीक है, इनके बाद आता है हमारा बास्केटबॉल प्लेयर का नंबर लेब्रोन जेम्स का, फिर आते हैं हमारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, थर्ड प्लेस में ये, तो आपको तीनों नाम याद रखने पड़ सकते हैं क्योंकि आपको टॉप थ्री है, तो नाम आपको याद रखना जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा लियोन मेसी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टेक लिमिटेड। ऑप्शन है आपके पास, राजेश यूनी, पुनीत चावला, अखिलेश कुमार शर्मा, रविंदर सिंह गिल्लो। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, रविंदर सिंह ढिल्लो। ठीक है, इन्हें बनाया गया चेयरमैन
और मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी का कौन सी कंपनी? REC लिमिटेड, ठीक है, जिसे पहले बोलते थे हम रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे इज मार्क्ड ट्वाइस अ ईयर, द डे विल बी सेलिब्रेटेड ऑन डैश एंड 8 अक्टूबर 2022। अब आपको पता है कि जो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे है वो साल में हम दो बार मनाते हैं, एक बनाते हैं 8 अक्टूबर के अंदर और दूसरा जो आपको बनाते हैं वो आपसे डेट पूछी गई है। तो ऑप्शन आपके पास 13 मई, 14 मई, 15 मई और 16 मई। तो करेक्ट आंसर क्या आने वाला है? ऑप्शन नंबर बी 14 मई, ठीक है। तो दो दिन जो हम मनाते हैं वो है हमारा, एक तो 8 अक्टूबर है ही, साथ में हम मनाते हैं 14 मई में मनाते हैं, ठीक है। तो 8 अक्टूबर एंड 14 मई, ये दो दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा, तो हाल ही के अंदर किसे अपॉइंट किया है चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा? ऑप्शन आपके पास, मानिक शाह, जिष्णु देव, नरेंद्र चंद्र देव वर्मा, रतन लाल नाथ, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है आपका मानिक शाह। मानिक शाह बने हमारे नए चीफ मिनिस्टर त्रिपुरा के, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हेन इज नेशनल डेंगू डे सेलिब्रेटेड, अब हम कब सेलिब्रेट करते हैं नेशनल डेंगू डे? तो ऑप्शन है आपके पास 14 मई, 15 मई, 16 मई और 17 मई। तो करेक्ट आंसर आपके पास 16 मई, 16 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल डेंगू डे, ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच बैंड हैज वॉन द मोस्ट बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड इन द हिस्ट्री, अब कौन से बैंड ने आज तक सबसे ज्यादा बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड जीता है? तो ऑप्शन आपके पास, डेस्टिनी चाइल्ड, ब्रूनो मार्स, BTS और जोनस ब्रदर्स। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? BTS। BTS ने अब तक बहुत ही बार आपका बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड जीता है, ठीक है। तो अब तक वो कितना जीत चुके हैं? 12 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड जीत चुके हैं, ठीक है। और इनके बाद जो नंबर आता है वो आता है आपका डेस्टिनी चाइल्ड का, जिनके पास 11 अवार्ड है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच कंट्री लिफ्टेड द थॉमस कप 2022 इन मेंस इवेंट, अब किस कंट्री ने हमारा 2022 थॉमस कप जीता है मेनली आपका? तो ऑप्शन आपके पास, इंडोनेशिया, चाइना, डेनमार्क, इंडिया, और जो इसका आंसर है वो है इंडिया। इंडिया ने अभी हाल ही में हमारा थॉमस कप 2022 मेंस इवेंट के अंदर हमारा जीत लिया है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब इसी से मिलता जुलता हमारा अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज वोन द थॉमस कप मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, अब किस कंट्री ने आपका सबसे ज्यादा बारी थॉमस कप का जो आपका कप है वो जीता है? ऑप्शन आपके पास, चाइना, इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने अब तक टोटल 14 टाइम्स जीत रखा है, ठीक है, और अब तक मोस्ट सक्सेसफुल टीम है वहां की। तो ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद नंबर आता है चाइना का, जिसने 9 बार जीता है, ठीक है, और जिसने एक एक बार जीता है वो है हमारा मलेशिया, जापान, डेनमार्क, और इसके अंदर इंडिया भी शामिल हो चुका है। तो अब हमारे पास 4 कंट्री जिसने एक एक बार जीता है। तो ये थी आपकी टोटल, किसने कितनी बार जीता है, तो आपको मेन याद रखना है इंडोनेशिया का, जिसने अब तक 14 टाइम जीता है ये कप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु इज द फर्स्ट इंडियन लेमैन टू बी डिक्लेयर सेंट बाय द वेटिकन, तो आपको इसमें बताना है कि पहले इंडियन कौन थे जिन्हें हमारा सेंट का उपाधि दी गई थी वेटिकन सिटी द्वारा। तो ऑप्शन है आपके पास, देमशान पिलाई, जैकॉब लार्सो, मोंटेफालू और फिलिप एंथोनी। तो करेक्ट आंसर है आपका देमशान पिलाई, ठीक है। ये डिक्लेयर किए गए थे आपका 15 मई 2022 को, हमारा डिक्लेयर किए गए सेंट किसके द्वारा? पॉप फ्रांसिस के द्वारा, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। तो 15 मई 2020 को इन्हें सेंट की उपाधि दी गई, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एलिजाबेथ वॉन हैज अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन 30 ईयर्स ऑफ विच नेशन, ऑप्शन आपके पास, डेनमार्क, स्वीडन, फ्रांस और इटली। तो करेक्ट आंसर है इसका आपके पास फ्रांस। तो अभी हाल ही के अंदर जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने चुना है अपने प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। क्या नाम है उनका? एलिजाबेथ वॉन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, और ये 30 सालों में पहली बार हो रहा है, ठीक है, कि कोई फीमेल प्रेसिडेंट वापसी से चुनी गई है। तो ये बात भी आपको फैक्ट याद रखना है। अगला आंसर है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द थर्ड शिप ऑफ प्रोजेक्ट
17A that has launched by Defense Minister Rajnath Singh on 17 May 2022. Options आपके पास INS अरावली, INS साइदरी, INS राजगीर और INS उदयगिरी. तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी, INS उदयगिरी. इंडिया हैज बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ विच फूड ग्रेन. तो अभी हाल ही के अंदर आपने न्यूज में देखा होगा कि इंडिया ने बैन कर दिया है किस फूड ग्रेन का एक्सपोर्ट. तो ऑप्शन है आपके पास राइस, वीट, कॉर्न और बार्ले. तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, वीट. तो वीट को जो हमने बैन कर दिया इंडिया से एक्सपोर्ट करने के लिए अभी के लिए, ठीक है. तो ये बात आपको याद रखनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज ज्वाइंट फिनलैंड इन फॉर्मली साइनिंग रिक्वेस्ट टू ज्वाइन नाटो मेंबरशिप. तो अभी हाल में आपने देखा होगा कि फिनलैंड ने तो आपका कहा था कि वो नाटो ज्वाइन करने वाली है, लेकिन इसके साथ अब कौन सी कंट्री ने ज्वाइन हेल्ड कर लिया है कि वो भी नाटो में जाना चाहती है, नाटो मेंबरशिप लेना चाहती है. तो ऑप्शन है आपके पास स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साइप्रस और स्वीडन. तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी, स्वीडन. ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है कि अब अगला कंट्री बन चुका है फिनलैंड के बाद. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच टू क्रिकेटर हैव बिकेम द फर्स्ट टू बी इंडक्टेड इन आरसीबी हॉल ऑफ फेम. ऑप्शन है आपके पास स्टीवन स्मिथ, डेविड वार्नर, राहुल द्रविड़, विराट कोहली, क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स और एबी डिविलियर्स, विराट कोहली. तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है इसका? ऑप्शन नंबर सी, क्रिस गेल और एबी डिविलियर्स. इन्हें शामिल किया गया है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी के हॉल ऑफ फेम के अंदर. ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है. अगला क्वेश्चन है, चित्तौंग पोर्ट विच हैज सीन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री. अभी हाल ही में आपने न्यूज में चित्तौंग पोर्ट के बारे में बहुत सुना होगा. तो आपसे पूछा गया कि ये किस कंट्री के अंदर है. ऑप्शन है आपके पास इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार. तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश. ये हमारा बांग्लादेश के अंदर पोर्ट पड़ता है, चित्तौंग पोर्ट. ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच चाइनीज प्लेयर वॉन द इटालियन ओपन 2022 सिंगल टाइटल. तो किसने जीता ये? तो इसका आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी, ईगा स्वीटेक. ठीक है, तो वर्ल्ड नंबर वन ईगा स्वीटेक वॉन हर फिफ्थ कंसेक्यूटिव WTA टूर टाइटल डिफीटिंग नंबर 7 प्लेयर इन स्टेट सेट टू विन द इटालियन ओपन 2022. तो जो हमारी वर्ल्ड नंबर वन प्लेयर है ईगा स्वीटेक, उन्होंने जीत लिया हमारा पांचवा लगातार अवार्ड. तो ये बात आपको याद रखनी है, ईगा स्वीटेक ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, टेक्नोलॉजी पाइनियर कमिटी इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच इंस्टीट्यूशन. ऑप्शन है आपके पास नीति आयोग, WEF, IMF और वर्ल्ड बैंक. तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रामगढ़ विश्वधारी सेंचुरी विच नॉट नोटिफाइड, रामगढ़ विश्वधारी सेंचुरी which was notified as tiger reserve is located in which state. आपको बताना है कि रामगढ़ विस्थारी सेंचुरी कौन से स्टेट के अंदर है. तो ऑप्शन आपके पास गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब. तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान. तो ये हमारा कहाँ पे? राजस्थान के अंदर है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट आर सूरत एंड उदयगिरी रिसेंटली लॉन्च बाय डिफेंस मिनिस्टर. तो अभी हाल ही के अंदर ना सूरत और उदयगिरी को लॉन्च किया गया. तो ये क्या चीज है? वॉरशिप है, मिसाइल है, स्पेस लॉन्च व्हीकल है या फाइटर जेट है? तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? वॉरशिप. तो अभी हाल ही के अंदर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा हमारे वॉरशिप को लॉन्च किया गया, जिनका नाम है हमारा सूरत और उदयगिरी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच कंट्री इज अ होस्ट ऑफ 15 वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस. ऑप्शन है आपके पास जापान, USA, साउथ कोरिया, अर्जेंटीना. करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, साउथ कोरिया. ठीक है, तो ये याद रखना आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वर्ल्ड बैंक सेक्शन $350 बिलियन टू विच स्टेट फॉर इम्प्लीमेंटिंग द श्रेष्ठा प्रोजेक्ट. तो हाल ही के अंदर वर्ल्ड बैंक ने किस स्टेट को सैंक्शन किया है $350 बिलियन ताकि वो श्रेष्ठा प्रोडक्ट इंप्लीमेंट कर सके. तो ऑप्शन है आपके पास आसाम, गुजरात, राजस्थान और वेस्ट बंगाल. तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात. गुजरात को दिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा $350 बिलियन. ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है.
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वॉज टॉप रेसिपिएंट कंट्री फॉर रेमिटेंसेज इन 2021। तो अभी जो हाल ही में रिपोर्ट आई है, तो उस किस कंट्री ने टॉप किया है रेमिटेंशंस मामले के अंदर 2021 में। ऑप्शन आपके पास इंडिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया और मैक्सिको। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। तो इंडिया ने इस लिस्ट में टॉप किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट यूटी लेफ्टिनेंट गवर्नर रिजाइंड फ्रॉम हिज पोजिशन ऑन 18 मई 2022। तो अभी हाल ही के अंदर ना हमारे स्टेट या फिर किसी यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रिजाइन किया है, ठीक है। तो आपको उस स्टेट और यूनियन टेरिटरी का नाम बताना। ऑप्शन आपके पास लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। तो अभी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने रिजाइन कर दिया है, और इन्होंने कुछ पर्सनल रीजन की वजह से रिजाइन किया है ऐसा कहा गया है। तो आपको यहाँ भी याद रखना है किसने रिजाइन किया, अनिल बैजल ने, ठीक है। और कहाँ के ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे? दिल्ली के। तो ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच इज द 52nd टाइगर रिजर्व इन इंडिया। हाल ही के अंदर 52nd टाइगर रिजर्व कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन आपके पास रोलापाडू, दिंग, पटकई वाइल्ड लाइफ, कंवर और रामगढ़ विषधारी। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, रामगढ़ विषधारी, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। विच स्टेट विल लॉन्च इंडिया फर्स्ट स्टेट ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑन नवंबर 1। तो अभी हाल ही में अनाउंस किया गया किसी स्टेट के द्वारा कि नवंबर 1 को लॉन्च करने वाली है अपना खुद का स्टेट ओन्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो किसने अनाउंस किया ये? महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, गुजरात। तो करेक्ट आंसर है केरला। तो केरला ने ये अनाउंस किया है कि वो 1 नवंबर को अपना खुद स्टेट ओन ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च करने वाली है। तो ये बात आपको याद रखना है कि किस स्टेट ने ये अनाउंस किया है, ठीक है, और कौन सी डेट को करने वाली है, ये बात भी आप याद रखना कि 1 और 2 नवंबर को वो करने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वेयर इज रामगढ़ विषधारी सेंचुरी लोकेटेड। तो ये बात आपने अभी पीछे भी क्वेश्चन में देख लिया है कि कहाँ पे लोकेट है। तो ऑप्शन नंबर ए राजस्थान करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द रिलीजियस वर्शिप एक्ट 1991 बार्स कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप आफ्टर विच ईयर। तो ऑप्शन आपके पास 1947, 1991, 1954 और 1951। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? 1947, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पीटर एल्बर्स हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ विच एयरलाइन कंपनी। तो भी हाल ही के अंदर पीटर एल्बर को किस एयरलाइन कंपनी का सीईओ बनाया गया है? ऑप्शन आपके पास इंडिगो, विस्तारा, एयर इंडिया और स्पाइसजेट। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, इंडिगो। तो इंडिगो को अभी हाल ही में नया सीईओ मिल चुका है, पीटर एल्बर्स। तो ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच स्टेट इज अ होस्ट ऑफ पाटनगर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। करेक्ट आंसर है हमारा गुजरात। तो गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र पटेल, इनोग्रेट किया हमारा वाटनगर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को गांधीनगर के अंदर। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हसन शेख मोहम्मद हैज बीन सिलेक्टेड एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ऑप्शन आपके पास साउथ अफ्रीका, फ्रांस, सोमालिया, अर्जेंटीना। तो सी ऑप्शन जो आपको सोमालिया करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच स्टेट इज द चैंपियन ऑफ 12th हॉकी इंडिया सीनियर वुमन नेशनल चैंपियनशिप 2022। ऑप्शन आपके पास कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। सी जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ओडिशा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच कंट्री प्लान्स टू लिमिट द अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी हेल्ड बाय इंडिविजुअल। तो अभी हाल ही के अंदर किसी कंट्री ने कहा है कि वो पहले जो लोग जितने मर्जी डॉलर रख सकते थे उसको लिमिट कर दिया गया है, ठीक है, पहले जितना था उससे जरूर कम कर दिया गया है। तो कौन सी कंट्री ऐसा अनाउंस करने वाली कि जो फॉरेन करेंसी है उन्हें कम रखना पड़ेगा अब आम लोगों को? तो ऑप्शन आपके पास बांग्लादेश, पाकिस्तान, रशिया और श्रीलंका। तो अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो आपको पता होगा श्रीलंका में अभी क्राइसिस आया हुआ है। तो यही आपको करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कि श्रीलंका ने अभी अनाउंस किया है कि वो पहले अगर लोग $15,000 तक रख सकते थे तो अब उसको घटा कर करके $10,000 तक कर दिया गया कि एक इंडिविजुअल के पास इतना ही पाया जाना चाहिए। इतना $10,000, इससे ज़्यादा पाया जाता है तो वो एक लॉ के अगेंस्ट होगा, तो आपको जेल और सजा हो सकती है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना, डी ऑप्शन जो करेक्ट आंसर है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इंडिया वॉन हाउ मेनी मेडल्स एट द डेफ ओलंपिक्स 2021।
तो अभी हाल ही के अंदर आपका डिफॉल्ट ओलंपिक्स 21 चल रहा था, उसमें इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं? तो ऑप्शन आपके पास 15, 16, 17, 18, तो ऑप्शन नंबर बी 16 जो हमारा सही। एंड एट, बर्ड फ्लू हैज बीन रिपोर्टेड इन विच कंट्री? मेनली आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है किस कंट्री के अंदर आपका पहला केस पाया गया है ह्यूमन केस H3N8 बर्ड फ्लू का किसी इंसान के अंदर, ठीक है? तो ऑप्शन है आपके पास जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया और चाइना। तो करेक्ट आंसर आप गेस कर सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर डी चाइना। सो चाइना के अंदर आपका पहला ह्यूमन केस H3N8 स्ट्रेन का बर्ड फ्लू पाया गया है, ये किसी 4 ईयर ओल्ड बॉय के अंदर पाया गया है, ठीक है, चाइना के अंदर। तो ऑप्शन करेक्ट क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी चाइना। तो मेनली क्वेश्चन आपके इसी तरह से पूछ जाएंगे ऑप्शंस के अंदर कि कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है आपका। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका चाइना। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास, रशिया हैज विदड्रॉन फ्रॉम विच अमोंग द फॉलोइंग यूएन बॉडी? तो हाल ही के अंदर आपके रशिया ने यूएन बॉडी से विड्रॉ किया, तो आपको बताना कि वो कौन सा यूएन बॉडी था। ऑप्शन है आपके पास UN WTO, UNHRC, UNSC और लास्ट ऑप्शन है आपके पास UNGA। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए UNWTO। तो हाल ही के अंदर रशिया ने अपने आप को विड्रॉ किया है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है? तो WTO से आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा, ये वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, इससे अपने आप को विड्रॉ किया है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच एयरलाइन हैज प्रपोज टू एक्वायर एयर एशिया इंडिया? तो किस एयरलाइन ने प्रपोज किया है कि वो एयर एशिया इंडिया को एक्वायर करेगी? तो इसके अंदर भी आप अभी गैस कर सकते हैं कि अभी हाल ही के अंदर टाटा ने एक्वायर किया एयर इंडिया को, और जो आपकी एयरलाइन है एयर एशिया इंडिया, उसके अंदर भी आपकी शेयर है टाटा एयरलाइंस की, तो आपको इसमें गैस कर सकते हो आप। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? एयर इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। तो एयर इंडिया ने, जो कि टाटा ओन्ड एयर इंडिया ने ऐसा प्रपोज किया है कि वो एक्वायर करने जा रही है एयर एशिया इंडिया को, ठीक है? चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट वन टू सस्पेंड द COVID-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम? अब किस कंट्री ने पहली कंट्री बनी है जिन्होंने COVID-19 वैक्सीन प्रोग्राम को सस्पेंड किया है, ठीक है? ऑप्शन है आपके पास पोलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क और स्वीडन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? डेनमार्क, ठीक है? तो डेनमार्क वो कंट्री है जिसने अपने कंट्री के अंदर COVID-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम को सस्पेंड कर दिया है, ठीक है? चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू नीति आयोग वाइस चेयरमैन? तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने ये क्वेश्चन अच्छे से देखना है कि किसको अभी हाल ही के अंदर अपॉइंट किया गया है नीति आयोग का वाइस चेयरमैन। ऑप्शन है आपके पास सुमन बैरी, नंद मूलचंदानी, जयाति घोष और अमर्त्य सेन। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? सुमन बैरी। तो सुमन बैरी को अभी हाल ही के अंदर नीति आयोग का वाइस चेयरमैन अपॉइंट किया गया है 1 मई 2022 को, ठीक है? और वो किसको सक्सेस करने वाली है, मतलब इससे पहले कौन थे? डॉक्टर राजीव कुमार, तो वो अब सुमन बैरी इनको सक्सेस करने वाली है, ठीक है? तो चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे। नंद मूलचंदानी हैज बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट एवर चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर ऑफ विच एजेंसी? तो अभी हाल ही के अंदर नंद मूलचंदानी को अपॉइंट किया गया है फर्स्ट एवर CTO किस एजेंसी का? तो ऑप्शन है आपके पास FBI, NIA, CIA और IB। तो करेक्ट आंसर बताना है, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी CIA। तो अभी हाल ही के अंदर फर्स्ट इंडियन ओरिजिन पर्सन अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है, US इंटेलिजेंस बेस्ड एजेंसी CIA के अंदर किनको अपॉइंट किया गया है? नंद मूलचंदानी। तो ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट बन सकता है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इंडियन ओरिजिन है जो कि इस पोजीशन तक अपॉइंट किए गए। तो ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी CIA के अंदर। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इंडिया हैज साइंड अ जॉइंट डिक्लेरेशन विथ विच कंट्री ऑन एग्रो इकोलॉजी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज? तो ऑप्शन है आपके पास डेनमार्क, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? इंडिया ने भी साइन किया है जर्मनी के साथ एग्रो इकोलॉजी और सस्टेनेबल मैनेजमेंट नेचुरल रिसोर्स के ऊपर। और आपको इसमें एक और क्वेश्चन याद रखना है कि यूनियन मिनिस्टर कौन है हमारे एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर
तो उसका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। तो ये मिनिस्टर हमारे यूनियन मिनिस्टर है एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के, तो इसका नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच नेशन हैज रिफ्यूज्ड टू सेंड इट एथलीट्स टू एशियन गेम। अब किस देश ने मना कर दिया कि वो अपने एथलीट्स नहीं भेजेंगे जो अभी हाल ही में एशियन गेम होने वाले हैं। तो ऑप्शन है आपके पास साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडोनेशिया। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने अभी हाल ही के अंदर कहा है 1 मई को कि वो अपने एथलीट सेंड नहीं करने वाले एशियन गेम के अंदर, जो कि चाइना के अंदर होने वाले हैं। तो मेन आपको कारण याद रखना है कि चाइना में हो रहे हैं इसलिए नहीं भेज रहे हो आपको, ठीक है। तो वहां पे अपने एथलीट से वो नहीं भेज रहा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, कि ऑस्ट्रेलिया अपने एथलीट नहीं भेज रहा एशियन गेम के अंदर, ठीक है। चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे। हु इज द न्यू कैप्टन ऑफ CSK, चेन्नई सुपर किंग्स। तो अभी आपको पता होगा हाल ही ने आपके रविंद्र जडेजा ने अपने कैप्टनशिप छोड़ दिए और दोबारा से आपके MS धोनी को अपॉइंट किया गया है नया कैप्टन CSK का, ठीक है। तो ये था आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई। इसमें ज्यादा डिस्कस करने वाली कोई बात नहीं है, यही आपकी दो चीज आएगी, इससे पहले कौन थे रविंद्र जडेजा और अभी किसको रीअपॉइंट किया गया है MS धोनी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन इज सत्यजीत रे बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व। अब किस दिन हम सत्यजीत रे के बर्थ एनिवर्सरी को ऑब्जर्व करते हैं। ऑप्शन है आपके पास 29 अप्रैल, 28, 1 मई, 2 मई। तो आपका ऑप्शन करेक्ट क्या है, आपका करेक्ट ऑप्शन है 2 मई को, ठीक है। तो सत्यजीत रे के हमने 101 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया है 2 मई 2022 को। अब आपको याद रखना है कि सत्यजीत रे का कॉन्ट्रीब्यूशन किस फील्ड के अंदर ज्यादा था, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो फील्ड क्या आपका, वो फिल्म मेकर का, ठीक है। वो पहले इंडियन भी थे जिन्हें सत्यजीत वाज द आल्सो द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव एन ऑस्कर फॉर द लाइफ मैन अचीवमेंट, ठीक है। वो पहले इंडियन थे जिन्हें ऑस्कर का अवार्ड भी मिला था लाइफ मैन अचीवमेंट का, ठीक है, जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था फिल्म मेकिंग के अंदर। तो चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन पे। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन स्पोर्ट डॉक्यूमेंट्री टू फीचर अमॉन्ग फीफा प्लस ओरिजिनल्स। तो इनमें से वो कौन सी डॉक्यूमेंट्री है जो पहली बार फीचर की गई है फीफा प्लस ओरिजिनल्स के अंदर। तो ऑप्शन है आपके पास सचिन अ बिलियन ड्रीम्स, बी ऑप्शन है बियॉन्ड ऑल बाउंड्रीज, सी ऑप्शन है बॉर्न टू रन और डी ऑप्शन है आपके पास मैतनाम। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी मैतनाम। तो मैतनाम जो है पहली इंडियन स्पोर्ट डॉक्यूमेंट्री सीरीज है जो कि फीचर गई की गई है आपकी फीफा प्लस ओरिजिनल्स के अंदर। और मेनली मैतनाम के है क्या चीज, मैतनाम एक 40 मिनट स्पोर्ट डॉक्यूमेंट्री है जिसमें बताया गया है अलग अलग कहानियां कि केरला के अंदर जो फुटबॉल है उनमें लोगों का प्यार कैसा है, ठीक है, वहां के जो लोग हैं वो फुटबॉल के प्रति कितने प्यार रखते हैं, ठीक है। तो उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर यही बताया गया है, ठीक है, डिफरेंट स्टोरीज ऑफ द लव फॉर द फुटबॉल इन केरला। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है मैतनाम। तो ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है, क्योंकि पहली इंडियन स्पोर्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर हुई है तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 7 न्यू कैंसर हॉस्पिटल अक्रॉस विच स्टेट। अभी हाल ही के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनोग्रेट किया है आपके फाउंडेशन स्टोन 7 न्यू कैंसर हॉस्पिटल का। आपको बताना है कि वो किस स्टेट के अंदर किया गया है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी आसाम, ठीक है। तो आसाम के अंदर अभी हाल ही के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 7 कैंसर हॉस्पिटल को आपके फाउंडेशन स्टोन रखा है, ठीक है। और ये कौन कौन सी जगह है आपका, डिब्रूगढ़, कोकराझार, बरपेटा, दरांग, तेजपुर, लखीमपुर और जोरहाट, ये 7 जगह आपके ये कैंसर हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। तो आपको मेन याद रखना है कि वो कौन सा स्टेट है, तो वो है स्टेट का नाम है आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच कंट्री हैज एलिजिबली डिप्लॉयड एन आर्मी ऑफ डॉल्फिन्स टू प्रोटेक्ट इट्स नेवल बेस। अभी हाल ही के अंदर किस कंट्री ने आर्मी ऑफ डॉल्फिन्स को डिप्लॉय किया है ताकि वो अपने नेवल बेस को प्रोटेक्ट कर सके। तो ऑप्शन है आपके पास रशिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए रशिया। ये रशिया ने अभी हाल ही के अंदर आर्मी ऑफ डॉल्फिन्स को डिप्लॉय किया है ताकि वो अपने नेवल बेस को प्रोटेक्ट कर सके ब्लैक सी के अंदर, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए रशिया करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच सिटी इज होस्टिंग ग्लोबल
पटीदार बिजनेस समिट 2022। अब इनमें से कौन सा सिटी ये होस्ट कर रहा है ग्लोबल पटीदार बिजनेस समिट 2022? ऑप्शन आपके पास सूरत, अहमदाबाद, राजकोट और जामनगर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, सूरत। ठीक है, जो आपका ग्लोबल पटीदार बिजनेस समिट जो है इस बार कहां पे हो रहा है? सूरत, गुजरात। ठीक है, ये 3-day समिट है जो कि हर 2 साल पे ऑर्गेनाइज की जा सकती है। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपका बन सकता है कि ग्लोबल पटीदार बिजनेस समिट कितने साल में होता है? तो वो हर 2 साल में होता है, एवरी 2 ईयर्स। ठीक है, और पहली समिट कहां हुई थी? गांधीनगर 2018 के अंदर, और 2020 के अंदर भी वो गांधीनगर में ही हुई थी। ठीक है, और अभी कहां हो रही है वो? सूरत, गुजरात के अंदर। ठीक है, चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स हैज बीन अवार्डेड द बेस्ट बिल्डिंग कांग्रेस आईबीसी बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड? तो कौन से इसमें से? अटल टनल, कोतेश्वर डाइवर्जनल टनल, चिन्नर टनल और हेडरेस टनल। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए, अटल टनल। जो अभी आपके अटल टनल है उसको यह अवार्ड किया गया है, आईबीसी का अवार्ड, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड, जो कि 2022-28 अप्रैल को दिया गया है। ठीक है, कहां पे? नई दिल्ली के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका अटल टनल, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु हैज बिकम द फर्स्ट ओवरसीज स्पिनर टू टेक 150 विकेट इन आईपीएल? तो वो पहले ओवरसीज स्पिनर कौन बने हैं जिन्होंने 150 विकेट लिए आईपीएल के अंदर? तो ऑप्शन है आपके पास सुनील नारायण, ग्लेन मैक्सवेल, राशिद खान और एडम जेम्पा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? सुनील नारायण। ठीक है, के ही आर का प्लेयर है, कोलकाता नाइट राइडर्स के सुनील नारायण पहले खिलाड़ी बने हैं ओवरसीज स्पिनर जिन्होंने 150 विकेट लिए हैं आईपीएल के अंदर। ठीक है, चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंग्लैंड न्यू टेस्ट कैप्टन? तो ये क्वेश्चन भी आपका एक इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑप्शन आपके पास वॉइन अली, लियम लाइमस्टॉन्ग, लिविंग स्टॉन्ग, क्रिस वॉक्स और बैन स्टॉक्स। ठीक है, तो इसमें से बताना आपको कि हाल ही के अंदर किसको नया टेस्ट कैप्टन अपॉइंट किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, बैन स्टॉक्स। ठीक है, बैन स्टॉक को अभी हाल ही के अंदर वहां की जो क्रिकेट बोर्ड है, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने अपॉइंट किया है बैन स्टॉक को नया टेस्ट कैप्टन। ठीक है, चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास, हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल अ नेशन टू प्रोटेक्ट? अब जो एक बुक है अ नेशन टू प्रोटेक्ट, अ नेशन टू प्रोटेक्ट, उनको किसने लिखा है? ऑथर का नाम बताना है आपको। तो ऑप्शन है आपके पास प्रियम गांधी मोदी, सारिका घोष, उमा दास गुप्ता, डॉक्टर किरण बेदी। तो ये क्वेश्चन है ना आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि आपके बुक्स एंड ऑथर से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और जो बुक अभी हाल ही में रिलीज हुई है वो क्वेश्चन तो वैसे ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आपको याद रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? प्रियम गांधी मोदी। तो प्रियम गांधी मोदी ने अभी हाल ही के अंदर रिलीज किया है अपनी बुक, जिसका क्या नाम है? नाम है आपका अ नेशन टू प्रोटेक्ट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच इंडियन कंपनी हैज साइंड एन एमओयू विद नॉर्वे इक्विनोर टू कोलैबोरेट ऑन क्लीन एनर्जी? तो किस कंपनी ने साइन किया है? ONGC, गेल, IOCL और HPCL। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अभी हाल ही के अंदर MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसके साथ? नॉर्वे मल्टीनेशनल एनर्जी कंपनी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन विल MSME मिनिस्ट्री एंटरप्राइज इंडिया इवेंट कॉन्क्लूड? कब खत्म होगा आपका ये? तो करेक्ट आंसर है आपका 27, 28, 29, 30। तो आपको बताना करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो करेक्ट आंसर है आपका May 27। तो यूनियन मिनिस्टर जो आपके माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के नारायण राणे, उन्होंने अभी हाल ही के अंदर इनोग्रेट किया है मेगा इवेंट एंटरप्राइज इंडिया। कब इनोग्रेट किया था? 27 अप्रैल को, और खत्म कब होगा अब ये? 27 मई को। तो मतलब टोटल 1 मंथ चल रहा है ये। तो आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि वो कब खत्म होगा, तो क्वेश्चन याद रखना है आपने, कंफ्यूज नहीं होना। तो करेक्ट ऑप्शन आपका 27 मई, ऑप्शन नंबर ए। Who among the following has been appointed as a vice chief of the army staff? तो आपको बताना है इनमें से किसे अभी हाल ही के अंदर vice chief of army staff नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन है आपके पास VR चौधरी, BS राजू, मनोज कुमार मागो और PK परवार। आपको यहाँ पे बताना है vice chief of army staff। तो जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास है ऑप्शन नंबर बी, BS राजू। ठीक है, इन्हें हाल ही के अंदर अपॉइंट किया गया है
वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि अपना पोजीशन संभालेंगे 1st of May से। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, BS राजू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन ब्रॉन्ज एट द एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप इन मनीला। अभी हाल ही में किसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है जो अभी आपको कॉम्पिटिशन चल रहा है मनीला के अंदर, एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, PV सिंधु। पीवी सिंधु ने जीता आपका, उनका अपना सेकेंड एशियन ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। और उन्होंने किसको हराया, हरा है मनीला के अंदर, जापान, जापान की यामागुची को, ठीक है, सेमीफाइनल के अंदर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या आपका, PV सिंधु, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इंटरनेशनल लेबर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो इसका आंसर बहुत ही आसान है कि जो इंटरनेशनल लेबर डे है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है, हर साल। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, 1st May, ठीक है, 1st May को हमारा इंटरनेशनल लेबर डे ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबली। और आपको एक और चीज याद रखनी है इसके अंदर कि इंटरनेशनल लेबर डे को हम और क्या बुलाते हैं, तो और हम बुलाते हैं इसे इंटरनेशनल वर्कर्स डे और मे डे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक टू गो लाइव ऑन अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क। तो ऑप्शन है आपके पास, SBI, IDBI, पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया करेक्ट आंसर है। वो पहला बैंक बना है जो कि लाइव गया अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑब्जर्व इट स्टेटहुड डे ऑन 1st May। तो 1st May को आपका कौन सा स्टेट अपना स्टेटहुड डे बनाता है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास, मणिपुर, मिजोरम, तेलंगाना और महाराष्ट्र। तो करेक्ट आंसर क्या आपका, ऑप्शन नंबर डी, आपका गुजरात एंड महाराष्ट्र, ठीक है। तो गुजरात और महाराष्ट्र जो है वो दोनों ही अपना स्टेटहुड डे आपका 1st May को बनाते हैं। तो ऑप्शंस में आपका महाराष्ट्र आंसर है, लेकिन अगर गुजरात भी आता है तो ऑप्शन ए एंड बी दोनों करेक्ट हो सकता है, अगर गुजरात और महाराष्ट्र एक साथ हो तो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका महाराष्ट्र करेक्ट आंसर है। और आपको महाराष्ट्र के साथ साथ एक और स्टेट याद रखना है, गुजरात, जो कि अपना सेम डे 1st May को अपना स्टेटहुड डे बनाता है, ठीक है। और कब अलग हुए थे दोनों, 1960 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सीनियर IFS ऑफिसर रिसेंटली एज्यूम चार्ज एज इंडियाज न्यू फॉरेन सेक्रेटरी। तो आपको उनका नाम बताना है। ऑप्शन से आपके पास, विनय मोहन कोतारिया, सेकेंड ऑप्शन है आपके पास, राजीव कुमार, थर्ड ऑप्शन है आपके पास, सुमन बेरी, और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास, हर्षवर्धन श्रृंगला। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विनय मोहन कोतरा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका करेक्ट आंसर है, वो नए फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं, ठीक है। और उन्होंने किसको सक्सीड किया है, तो उनका नाम था हर्षवर्धन श्रृंगला, ठीक है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वर्ल्ड लाफ्टर डे वॉज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन डैश इन मुंबई एंड वॉज इनिशिएटेड बाय द फाउंडर ऑफ लाफ्टर योगा मूवमेंट डॉक्टर मदन कतारिया। तो आपको बताना है कि किस कब पहली बार हमारा वर्ल्ड लाफ्टर डे सेलिब्रेट किया गया था। तो आपके ऑप्शन से 2008, 1998, 2018 और 2021। तो जो करेक्ट ईयर वो आपका क्या है, करेक्ट ईयर आपका ऑप्शन नंबर बी, 1998, ठीक है। पहली बार सेलिब्रेट किया गया था मुंबई के अंदर 1998 के अंदर। और आपको एक और नाम इसमें याद रखना है, फाउंडर ऑफ लाफ्टर योगा मूवमेंट, जिनका नाम है मदन कटारिया। तो क्वेश्चन आपका इसके अंदर भी आ सकता है कि हु इज द फाउंडर ऑफ लाफ्टर योगा मूवमेंट, तो आपको ऑप्शन दे सकते हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, मदन कटारिया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, PM नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 एट। अब उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे इनॉग्रेट किया है, जो आपके सिटीज के ऑप्शन आपके पास, न्यू दिल्ली, वडोदरा, बेंगलुरु और सूरत। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु, ठीक है। तो अभी हाल ही के अंदर PM नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेट किया है बेंगलुरु के अंदर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारती एयरटेल हैज एक्वायर्ड अ डैश स्टेक इन नवी मुंबई बेस्ड सिंगरी टेक्नोलॉजी, ठीक है, अंडर द एयरटेल स्टार्टअप एग्रीगेटर प्रोग्राम। तो आपको ये बताना है मेनली क्वेश्चन के अंदर कि उन्होंने कितना परसेंट स्टेक एक्वायर किया है, जो आपका नवी मुंबई बेस्ड स्टार्टअप है सिंगरी टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास, 6%, 7%,
8% और 9%। तो करेक्ट आंसर क्या आपका, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 7%। ठीक है, तो 7% स्टेक उन्होंने एक्वायर किया है नवी मुंबई बेस्ड स्टार्टअप के अंदर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अंशुल स्वामी हैज बीन अपॉइंटेड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो अभी हाल ही के अंदर अंशुल स्वामी को अपॉइंट किया गया आपके मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी और सीईओ के पोस्ट पे स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर। तो आपको बताना है उस बैंक का नाम। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक और शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो अभी हाल ही के अंदर अंशुल गोस्वामी को अपॉइंट किया गया एज एमडी एंड सीईओ ऑफ शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे, आपसे डायरेक्ट ऐसे ही पूछ सकते हैं कि शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के अभी नए एमडी का नाम क्या है, एमडी और सीईओ का। तो आपको फिर बताना होगा अंशुल स्वामी। ठीक है, अगर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि अंशुल स्वामी अभी हाल ही में किस बैंक के आपके सीईओ और एमडी बने, तो आपको फिर बताना होगा शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो क्वेश्चन को आपको दोनों तरीके से याद करना होगा। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द आरएसएफ 2022 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो इंडिया की अभी रैंकिंग क्या आई है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर। तो ऑप्शन है आपके पास 87, 104, 150 और 176। सो करेक्ट आंसर जो है आपका वो है 150। तो इंडिया की रैंक क्या है 150। और ये भी याद रखना है आपको कि लास्ट ईयर हमारी रैंक कितनी थी, तो लास्ट ईयर हमारी रैंक थी 142। और इसके अंदर तीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं आपके कि फर्स्ट रैंक पे कौन है, सेकंड पे कौन है और थर्ड पे कौन है। ठीक है, तो तीन आपको याद रखने हैं। तो फर्स्ट पे आपका नॉर्वे है, सेकंड पे आपका डेनमार्क है और थर्ड पे आपका स्वीडन है। तो ये बात आपको याद रखनी है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इंडिया साइन अ पैक्ट ऑन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स एंड एग्री टू वर्क विद एआई स्टार्टअप विद विच कंट्री। अभी हाल ही के अंदर ना इंडिया ने साइन किया है ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स किस कंट्री के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास यूके, यूएसए, जर्मनी एंड फ्रांस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी। तो इंडिया और जर्मनी ने हाल ही में एक जॉइंट डिक्लेरेशन साइन किया है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इंडिया फर्स्ट ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और यूपी। किस स्टेट के अंदर हमारा पहला ग्रीन फील्ड इथेनॉल प्लांट लगाया गया है और कहाँ पे ये, कौन से स्टेट के अंदर है। ए ऑप्शन है गुजरात, बी है ओडिशा, सी है बिहार और डी है तेलंगाना। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी बिहार। तो अभी हाल ही के अंदर जो बिहार के चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, उन्होंने इनॉग्रेट किया है कंट्री का पहला ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट। कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और ये प्लांट की कीमत क्या आई है, कॉस्ट क्या आई है लगाने में, तो 105 करोड़ रुपीज। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट सोफो रिपोर्ट। अब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये रिपोर्ट पब्लिश करती है। तो ऑप्शन है आपके पास नाबार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और डी ऑप्शन आपके पास वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये आपकी रिपोर्ट पब्लिश करती है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रख। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जीवाला इज ए स्पेशल लोन स्कीम लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो हाल ही के अंदर ना अभी आपकी एक स्कीम चलाई जा रही है जीवाला, जिसके अंदर आपको क्रेडिट दी जाती है आपके जो प्रिजनर्स है जेल के अंदर उनको। तो ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट चला रही है। तो ऑप्शन आपके पास आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि बी जो है आपका महाराष्ट्र करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड टू बिल्ड अ स्टेडियम इन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा नेटिव विलेज। तो अभी हाल ही के अंदर ना कौन से चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि वो एक स्टेडियम बनाने वाले हैं कहाँ पे, अभी हाल ही के अंदर जो गोल्ड मेडलिस्ट थे हमारे नीरज चोपड़ा जी उनके नेटिव विलेज के अंदर। तो आपको इसका आंसर पता चल गया होगा कि ऑप्शन क्या होने वाले हैं। तो ऑप्शन आप सुन लीजिए, ऑप्शन आपके पास महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, गुजरात और हरियाणा। तो करेक्ट आंसर आपको शायद पता होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका ऑप्शन है हरियाणा। तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो एक ओलंपिक स्टेडियम, ठीक है, एक स्टेडियम बनाने वाले हैं कहाँ पे, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा के नेटिव विलेज कांद्रा पानीपत के अंदर। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उनका नेटिव विलेज का नाम क्या है, तो वो है आपका कांद्रा पानीपत। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक टाइटल्ड लीडर्स पॉलिटिशियन और सिटीजन। तो इस बुक का ऑथर कौन है, ऑप्शन आपके पास रमेश
थामिलमानी, राशिद किदवाई, रमेश कंदुला और अमितवा कुमार। ठीक है, तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी। आपका जो बुक है आपकी लीडर पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन और सिटीजन, उसको किसने लिखा है आपके जर्नलिस्ट जो आपके रशीद किदवाई ने। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट एथेनॉल प्लांट सेटअप बाय ईस्टर्न इंडिया बायोफिल प्राइवेट लिमिटेड एट अ कॉस्ट ऑफ 105 करोड़। तो अभी हाल ही के अंदर अभी देखा होगा आपने, एक और क्वेश्चन आपको एसएससी में रिपीट हुआ है, तो आपको ये देखा है उसके अंदर आपसे पूछा गया था कि कौन से आपके चीफ मिनिस्टर ने ये इनोग्रेट किया है, तो आपको वही देखना है आपको कि आपको अब याद है या नहीं। तो ऑप्शन आपके पास हरियाणा, बिहार, राजस्थान और आसाम। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, बी, ऑप्शन नंबर बी, बिहार। ठीक है, तो अभी हाल ही के अंदर नीतीश कुमार ने इनोग्रेट किया इंडिया का पहला इथेनॉल प्लांट। ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, विच स्टेट हैज लॉन्च मुख्यमंत्री मितान योजना फॉर डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ 100 पब्लिक सर्विसेज। तो ऑप्शन आपके पास तेलंगाना, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर और छत्तीसगढ़। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने आपके अभी हाल ही के अंदर मुख्यमंत्री मितान योजना लॉन्च किया है, जिसके अंदर आपको 100 प्लस पब्लिक सर्विस दी जाएगी डोर स्टेप डिलीवरी के अंदर। ठीक है, मतलब आपके घर पे वो किसी इंसान को भेज दिया करेंगे आपके उसको सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को। तो ये 100 प्लस सर्विसेज के अंदर रखी गई है और ये डोर स्टेप डिलीवरी होने वाली है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ जो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच स्टेट मिया का बड़ा रेलवे स्टेशन हैज बीन रीनेम्ड एज महेश नागर हॉल्ट। तो हाल ही के अंदर ना किसी स्टेट के अंदर जो आपका पहला रेलवे स्टेशन का नाम था वो मिया द बड़ा रेलवे स्टेशन था, अब उसे चेंज करके महेश नागर हॉल्ट कर दिया गया है। तो ये किस स्टेशन, कौन से स्टेट के अंदर ये स्टेशन था आपका, वो पूछा गया आपसे। तो ऑप्शन आपके पास आसाम, उत्तराखंड, राजस्थान और बिहार। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान के बरमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये स्टेशन का नाम चेंज करके महेश नागर हॉल्ट कर दिया गया है। अमतारा हैज बिकम द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री वेयर ऑल ग्राम पंचायत हैव कम्युनिटी लाइब्रेरीज इन विच स्टेट जमतारा इज लोकेटेड। तो आपको मेनली इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि जमतारा भी हाल के दिनों में एक ओनली डिस्ट्रिक्ट बन गया कंट्री के अंदर, जहां पे हर ग्राम पंचायत के अंदर वहां पे उनकी कम्युनिटी लाइब्रेरीज है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जमतारा किस स्टेट के अंदर लोकेट करता है। तो ऑप्शन है आपके पास झारखंड, केरला, ओडिशा और कर्नाटक। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है आपका, ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। तो जमतारा आपका झारखंड स्टेट के अंदर है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस दैट दिसंबर 18 एवरी ईयर विल बी ऑब्जर्व एट माइनॉरिटीज राइट डे एट द स्टेट लेवल। तो अभी हाल ही के अंदर किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये कहा है कि वो दिसंबर 18 को एज अ माइनॉरिटीज राइट डे बनाएंगे स्टेट लेवल के अंदर। तो ऑप्शन आपके पास महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और तमिलनाडु। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। अभी हाल ही में आपके तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ही अनाउंस किया है कि वो दिसंबर 18 को हर साल माइनॉरिटीज राइट डे बनाएंगे। ठीक है, और ये आपका नेशनल लेवल पे नहीं है, स्टेट लेवल पे। तो तमिलनाडु के अंदर ये बनाया जाएगा हर दिसंबर 18 को, तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वाई एस जगन मोहन रेड्डी द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश इनोग्रेटेड डैश न्यू डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट। तो अभी हाल ही के अंदर आंध्र प्रदेश के अंदर जो उनके चीफ मिनिस्टर है वाई एस जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने अभी कितने नए डिस्ट्रिक्ट का इनोग्रेट किया अपने स्टेट के अंदर। तो ऑप्शन है आपके पास 7, 9, 12 और 13। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है आपका, ऑप्शन नंबर डी, 13। अभी हाल ही में आपके ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये आपके यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऐड हो गए और वो भी एक दो नहीं, बिल्कुल 13 डिस्ट्रिक्ट नए ऐड हुए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अभी हाल ही में आपके वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने, जो चीफ मिनिस्टर है आपके आंध्र प्रदेश के, उन्होंने इनोग्रेट किया 30 न्यू डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कहाँ पे ये है, आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, अब टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए ये भी आपको याद रखना है। तो टोटल डिस्ट्रिक्ट हो गए अब 26। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच इज द फर्स्ट सिटी इन द कंट्री टू हैव वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम। तो कौन सा स्टेट है वो, ऑप्शन है आपके पास आगरा, बैंगलोर, इंदौर और पुणे। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है आपका, ऑप्शन नंबर ए, आगरा। ठीक है, जो आगरा आपका पहला सिटी बन गया हमारे कंट्री के अंदर जहां पे वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आगरा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हिमाचल डे इज ऑब्जर्व ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग डे इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल डे हम कब बनाते हैं,
तो ऑप्शन है आपके पास 5th अप्रैल, 20th अप्रैल, 1st अप्रैल और 15th अप्रैल। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है आपका? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 15th अप्रैल। ठीक है, तो हम हर 15 अप्रैल को हिमाचल डे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेम द चीफ मिनिस्टर हु अनाउंस्ड दैट अ 165 फुट हाई इंडियन नेशनल फ्लैग, द टॉलेस्ट इन द नॉर्थ ईस्ट, वुड बी होस्टेड एट द इंडियन नेशनल आर्मी INA हेडक्वार्टर कॉम्प्लेक्स इन मोइरांग। तो अभी हाल ही के अंदर आपने किस चीफ मिनिस्टर ने ये चीज अनाउंस की है? तो ऑप्शन है आपके पास पेमा खांडू, एन बीरेन सिंह, प्रेम सिंह तोमांग और डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है आपका? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने अभी हाल ही में अनाउंस किया है, जिनका नाम क्या है? एन बीरेन सिंह। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अटल टनल हैज रिसीव द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड रिसेंटली, अटल टनल इन इज लोकेटेड इन विच स्टेट। अभी हाल ही के अंदर ना एक दिन पहले आपका यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अटल टनल को कौन सा अवार्ड मिला है। तो वो अवार्ड का नाम था आपका क्वेश्चन वो पिछली क्लास में कवर हो गया था कि वो बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला है। लेकिन अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अटल टनल कहाँ पे लोकेट करता है, कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के अंदर। तो ऑप्शन है आपके पास जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होने वाला है आपका, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा वो 20 कंट्री बन चुका है जो अडॉप्ट करेगा आपका यूरो करेंसी 2023 से। ऑप्शन से आपके पास मोनाको, माल्टा, क्रोएटिया और लग्जमबर्ग। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका क्रोएटिया आपका करेक्ट आंसर है, जो कि 2023 से आपका एक्सेप्ट करेगा आपका यूरो करेंसी। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया होस्टेड द इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग विद विच कंट्री। ऑप्शन आपके पास है फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन और फ्रांस। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वीडन। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाना टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी। तो मेनली बताना है आपको पाना टाइगर रिजर्व आपके कौन से स्टेट या यूटी में है। ऑप्शन है आपके पास मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में आपका है पाना टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द विनर ऑफ फ्रेंच ओपन 2022 मेन सिंगल टाइटल। ऑप्शन है आपके पास नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, कैस्पर रड और ल्यूकस अल्कराज। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर बी, राफेल नडाल। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एज लिमिट फॉर ऑफिसर टू एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो मेनली क्या एज लिमिट है आपके ऑफिसर्स की ताकि वो एलिजिबल हो सके आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पोस्ट के लिए, CDS। ऑप्शन आपके पास 60, 62, 65 और 70। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 62। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमर्ज एज द बेस्ट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इन द लेटेस्ट एडिशन ऑफ QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ऑप्शन है आपके पास IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IISc बैंगलोर, IIT बैंगलोर। तो राइट आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर सी, IISc बैंगलोर। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ई कॉमर्स मार्केट प्लेस हैज पार्टनर विद स्पाइसेस बोर्ड टू सपोर्ट फार्मर एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज इन स्पाइस सेक्टर। तो मेनली किस ई कॉमर्स मार्केट प्लेस ने पार्टनरशिप किया आपके स्पाइसेस बोर्ड से ताकि वो सपोर्ट कर सके फार्मर और स्मॉल इंडस्ट्रीज को स्पाइस सेक्टर के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास अमेजन, फ्लिपकार्ट, बिज बास्केट और जियोमार्ट। तो राइट आंसर है आपका इसका ऑप्शन नंबर बी, फ्लिपकार्ट। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट ने वादा किया है कि वो हेल्प करेगी आपके स्पाइस सेक्टर के जितने फार्मर्स वगैरह उनकी। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टारगेट ईयर सेट बाय इंडिया फॉर द फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान और फर्स्ट ह्यूमन ओशन मिशन। तो मेनली बताना आपको जो हमने टारगेट सेट किया हमारे पहले स्पेस मिशन के लिए जिसका नाम है गगनयान और दूसरा हमारे फर्स्ट ह्यूमन ओशन मिशन के लिए। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर बी, 2023। तो हमने 2023 को टारगेट सेट किया है कि हम अपने फर्स्ट ह्यूमन ओशन मिशन और हमारे फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन को 2023 में लॉन्च करेंगे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ सांगरी ला डायलॉग एशिया सिक्योरिटी समिट। ऑप्शन आपके पास चाइना, सिंगापुर, मलेशिया और UAE।
तो राइट आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस नेशनल पार्क विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो मेनली बताना आपको कि जो मानस नेशनल पार्क है कौन सी स्टेट में आपका लोकेट करता है। ऑप्शन से आपके पास गुजरात, बिहार, आसाम और वेस्ट बंगाल। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर सी आसाम। तो सी आसाम ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन ऑफर द स्किल बेस्ड बैचलर डिग्री प्रोग्राम फॉर अग्निवीर। किस इंस्टीट्यूशन ने आपको ऑफर किया कि वो प्रोवाइड करेगी स्किल बेस्ड बैचलर डिग्री हमारे अग्निवीर्स के लिए। ऑप्शन है आपके पास IIT मद्रास, इग्नू, AICTE, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने ये अनाउंस किया है कि वो प्रोवाइड करेगी स्किल बेस्ड बैचलर डिग्री अग्निवीर्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022। तो रैंक्स वाले क्वेश्चन आपके पहले भी आ चुके हैं 3 से 4, अभी भी आपको इस क्वेश्चन ध्यान देखना है आपको कि इंडिया की रैंक क्या है किस इंडेक्स के अंदर। तो अभी जो आपसे पूछी गई है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंक क्या है, ऑप्शन है आपके पास 97, 68, 54 और 37। तो राइट आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर डी 37। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे खत्म होते हैं हमारे मोस्ट आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आपके जनवरी से लेकर जून मंथ तक के। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने मेक श्योर करना है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि आपको सारी वीडियोस की PDF वहीं पे अपलोड होगी और इस वाले वीडियो की PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एडुशील्ड पे आपको अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप वो जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके पास ऐसी वीडियोस आपकी रोज अपलोड हो रही है जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो मेक श्योर कि आप चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियोस लाइक करें, ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन वीडियोस और जितने भी आपकी कम्युनिटी पोस्ट है उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, क्योंकि ये आपके CUET, IPSET, JMI और भी बाकी अदर एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी।